न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं न्यू यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी ये यूनिट क्लास इलेवेंथ के टॉपिक में आता है क्लास इलेवेंथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी जस्ट हमने अभी कंप्लीट की है जिसने नहीं देखी है वो प्लीज इस प्लेलिस्ट को जो प्लेलिस्ट में मतलब ये सारा जा रहा है अगर आप इस चैनल पर जाएंगे तो पहले ही प्लेलिस्ट में बेटा ये सब चीजें मैंने एड करवा दी है वो लोग वहां से कर सकते हैं लेकिन जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने ह्यूमन फिजियो भी डन कर ली है एंड अब बेटा समय आ गया है प्लांट फिजियोलॉजी का प्लांट फिजियोलॉजी में पहले के टाइम पर पहले के टाइम पर बेटा प्लांट फिजो में पांच होते थे स्टार्टिंग ट्रांसपोर्ट इन इन मिनरल न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स एंड देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन एंड आपका बचता था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बट एनडीए ने बोला है एनएमसी ने बोला है कि हम प्लांट फिजियोलॉजी को थोड़ा आसान बना देते हैं वैसी बड़ी टिपिकल लगती है बच्चे को आसान बनाने के लिए उन्होंने पहले दो यूनिट पहले दो चैप्टर्स निकाल दिए यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इट इज नॉट इन आवर सिलेबस नाउ एंड मिनरल न्यूट्रिशन भी हमारे अब सिलेबस में नहीं है यानी कि हमारे सिलेबस में बचा क्या प्लांट फिजियोलॉजी बचा फोटोसिंथेसिस uh, सिंथेसिस बचा रेस्पिरेशन बचा एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बचा तो आज की क्लास में तो बेटा जी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस ये चैप्टर मैं आपको दो हिस्सों में कराऊंगी बिकॉज इट इज वेरी बिग चैप्टर एंड माय फोकस विल बी कि अगर आप ये पहली बार भी देख रहे हैं तो भी आपको समझ आएगा अगर आप ये दूसरी तीसरी बार भी देख रहे हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस क्लास के बाद एंड बेटा इस क्लास के बाद एक रूटीन जरूर बना के रखो अगर आप पहली बारी मेरे साथ जुड़े हो रूटीन ये है कि आपको हर क्लास के बाद मेरी उस उतने पोर्शन की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है आपको रियलाइज होगा कि जो आपने लिखा है जो आप यहाँ पर करके जा रहे हो उससे एनसीईआरटी पढ़ना आसान हो जा रहा है ठीक है हमने चीजों को आसान करना है अल्टीमेटली एनसीईआरटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कोई नोट्स नहीं है कोई किताब नहीं है वो तो पढ़नी पड़ती है लेकिन किस तरीके से उसको पढ़े कि उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए तो बेस्ट तरीका बेटा उसे पढ़ने का क्या है कि आप नोट्स बनाने के बाद उसे पढ़ा करें ठीक है जी तो सब ये सब लोग प्रॉमिस करते हैं कि डेफिनेटली हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बताओ सब बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि नहीं करते क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर कोई तुम्हें तो बोल रहा है कि ये किताब पढ़ लो ये एनसीईआरटी का कॉपी है तो भी नहीं मानना चाहे वर्ड टू वर्ड कॉपी क्यों ना हो तो भी नहीं मानना है पढ़नी है तो एनसीआरटी पढ़नी है हमें भरोसा है तो सिर्फ उसी किताब पर भरोसा और किसी पर भरोसा नहीं है आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बुक्स को रेफर कर सकते हैं बट थ्योरी के लिए यू डोंट नीड एनी बुक नो बुक इज रिक्वायर्ड जस्ट योर हैंड रिटन नोट्स प्लस योर और कुछ आपको नहीं चाहिए कोई कुछ आके बोल दे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो एनसीआर से बेटर है कुछ बेटर नहीं है बेटा ultimately वही भगवान है उसी में से सवाल बनना है लेकिन वही बच्चे उससे अच्छा सा समझ सकते हैं जो क्लास लगा के जाएंगे और नोट्स बना के जाएंगे तो क्या नोट्स बनाने के लिए तैयार है आप यस <coughs> बताओ yes, नोट्स बनाने के लिए तैयार है हाँ जी शुरू करें आ, बताने से पहले बेटा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आज की हमारी जो स्पेशल क्लास होने वाली है आप जानते हैं रेगुलरली हमारी स्पेशल क्लास होती है आज की क्लास कुछ खास है क्योंकि आज की क्लास में बेटा जी मिलने वाला है एक लकी विनर को फ्लैश कार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ये एक बंडल में बायो की इलेवेंट्री के 11, 12, के केमिस्ट्री इस तरीके से छह बंडल्स आज एक लकी विनर को मिलने वाले हैं छह बजे की क्लास में लिंक यहाँ पर पिन हो चुका है यानी कि इस क्लास के तुरंत बाद आपको वहां आना है ये एब्सिल्यूटली फ्री क्लास है दिस इज अ फ्री क्लास तो सब बच्चे इसको जरूर अटेंड करें टेस्ट होगा टेस्ट के बेसिस पर और कुछ और uh, you know, तो कल, कल गिव अवे की क्लास लेना चाहती हूँ बिकॉज इन बिटवीन यू नो आई स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मुझे हेल्प करनी है बच्चों की बहुत बच्चे नहीं खरीद सकते हैं दैट इज ओके पॉकेट फ्रेंडली चीज है तो आज एक बच्चे को मिलने वाली है दूसरी चीज बेटा जी कल जो क्लास होगी स्पेशल पर उस पर एक बच्चे को माइंड मैप्स मिलने वाले हैं माइंड मैप्स तो मैंने आपको दिखाए थे इतने बड़े बड़े माइंड मैप्स हैं मैं आपको भी थोड़ी देर में फिर से दिखाऊंगी तो उस क्लास में भी एनरोल कर लेना एनरोलमेंट मस्ट है जो एनरोल नहीं करेगा उसको तो वैसे ही नहीं मिलेंगे फर्स्ट स्टेप इज एनरोलमेंट सेकेंड स्टेप इज अटेंडिंग होल क्लास एंड थर्ड स्टेप इज मैं रैंडमली निकालूंगी कि हु विल बी द लकी विनर और बहुत अनबायस्ड वे में होगा चलिए शुरू करते हैं इसके साथ साथ बेटा आपको एक और चीज बतानी थी कि 55% ऑफ ऑन इज नाउ लाइव यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन बहुत सारे क्रैश कोर्सेस चल रहे हैं वन ईयर कोर्स है आप क्लास में है तो आपके लिए टू ईयर कोर्स है तो सब courses पर अभी कोर्सेंट ऑफ और सिक्स मंथस का एक्सटेंशन मिल रहा है इस ऑफर के लिए बेटा जी आपको कोड लगाना है सीप लाइव किसी भी बैच में जाना है यू कैन एनरोल थ्रू दिस कोड आ जाओ पीपीएफ लेकर आ गए सब बच्चे बताना है पीपीएफ अच्छा एक बात बताइए आप में से कितने बच्चों ये चैप्टर मेरे से कभी नहीं पढ़ा है वो बच्चे वो पिंक वाला हैंड हैं वा रेस करें पिंक वाला हैंड रेस है ना वो वाला हैंड रेस करे जिन्होंने कभी भी मेरे से ये चैप्टर नहीं पढ़ा किसी और से नहीं पूछ रही हूं मेरे से बेटा कभी जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है और आज उसकी पहली क्लास है इस चैप्टर की मतलब मेरे साथ जिन्होंने मेरे से ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है ना आज वो पहली बार आया ओके ओ माई गॉड There are many students, which is very गुड तो आज तो बेटा आपका लकी दिन होने वाला है क्योंकि आज जो आप फोटो सिंथेसिस समझ के जाएंगे वो आप जिंदगी भर तो याद रखेंगे चलो जिंदगी भर तो नहीं अगले छह महीने तो याद रखेंगे बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत to द मार्ग होने वाली है और ये चैप्टर में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप ये लेक्चर लगाएंगे तो क्या ये जो हैंड्रेस वाले हैं पिंक वाले क्या वो बच्चे पेन और पेपर लेकर आए लिखोगे नहीं तो नहीं समझ आएगा मैं बिना लिखवाए तो कोई लेक्चर जनरली नहीं लेती हूँ लास्ट में लेती हूँ बस जो हमारे माइंड मैप्स का रिवीजन होता है अदरवाइज आई डोंट टेक एनी क्लास विदाउट पेन एंड पेपर एंड आई रियली वांट कि आपको मैक्सिमम लर्न करना है बायोलॉजी घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है मतलब क्लास के बाद कुछ नहीं छोड़ना है तो पेन और पेपर लेकर आ जाइए शुरू करते हैं बेटा आज का अपना टॉपिक व्हाट इज फोटोसिंथेसिस ये टॉपिक हम क्लास सेवन से पढ़ते आ रहे हैं ये नाम हम बचपन से जानते हैं मुझे लगता है अब तो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को भी पता है कि फोटोसिंथेसिस नाम की कोई चीज है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं हमें पता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक वो हमारी तरह डिपेंडेंट नहीं है ऑटोट्रॉफिज्म मीन्स

मतलब फिजिकल चीज भी इसमें कुछ हो रही है क्या हो रही है फिजिकल चीज इसमें हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज गैशियस एक्सचेंज बेटा जी इसमें हो रहा है हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं हम उन्हें सीओ टू देते हैं सीओ टू को यूज कर लेते हैं एंड बदले में हमें ऑक्सीजन मिलता है यानी कि ऑक्सीजन सीओ टू का एक्सचेंज वहां हो रहा है तो एक ये फिजिकल प्रोसेस हुआ साथ ही में हम यहाँ पर नोट करेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं कौन सी केमिकल रिएक्शन हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिडक्शन इन सेम इक्वेशन ओनली एक ही इक्वेशन में हम लोग ऑक्सीडेशन भी देखेंगे कुछ सब्सटेंसेस की होती हुई एंड कुछ सब्सटेंसेस की हम लोग रिडक्शन भी देखेंगे मैं यू नो स्टार्ट करूंगी कि फोटोसिंथेसिस अपन लोग कर क्यों रहे हैं व्हाट इज द पॉइंट बिकॉज इट इज द ओनली सोर्स बाय विच प्लांट कैन मेक देयर फूड तो फिजिकल फिजिको केमिकल प्रोसेस हो गया इसका इंपॉर्टेंस क्या है सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि प्राइमरी सोर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कौन है धरती पर पूरी धरती पर बेटा एनर्जी सन से आती है सन एनर्जी किसको देता है लाइट एनर्जी प्लांट को देता है प्लांट क्या है उससे खाना बनाते हैं और उसी खाने पर एवरी वन इज डिपेंडेंट है ना नो डाउट वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स ऑल्सो बट फूड चेन में अगर मैं जाऊंगी फूड चेन में अगर मैं जाऊंगी अल्टीमेटली फूड चेन शुरू तो प्रोड्यूसर से ही हो रही है ना तो प्रोड्यूसर कौन है मेरा प्लांट है सो इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ धरती पर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कौन है मेरे प्लांट्स हैं तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस करना बड़ा आवश्यक है दूसरा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करना क्यों जरूरी है? जरूरी है 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 इसलिए क्योंकि इसी से क्या रिलीज होता जिससे हम जिंदा रहते हैं क्या रिलीज होता है बेटा इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है और इस ऑक्सीजन के बिना वी गाइज कैन नॉट सर्वाइव सो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आप इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में पढ़ रहे होंगे अब फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन देखें देयर इज फिक्सेशन ऑफ मैं अभी बैलेंसिंग नहीं कर रही हूं बैलेंसिंग में बाद में जाके करूंगी देयर इज फिक्सेशन ऑफ व्हाट CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर पानी यूज होता है ठीक है लाइट uh, यूज करेंगे एंड एक पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल को यूज किया जाएगा अल्टीमेटली कोई ना कोई ऑर्गेनिक शुगर बनाई जाएगी दैट इज C6H12O6 प्लस O2 बोलते हैं बेटा अगर प्लांट को खाना बनाना है तो सीओ टू चाहिए हाँ चाहिए पानी चाहिए हाँ चाहिए लाइट चाहिए बिल्कुल चाहिए क्लोरोफिल चाहिए चाहिए मैंने तो बोल दिया चाहिए प्रूव करो बिना प्रूफ करे तो बात नहीं बनेगी प्रूफ करके आओ कि इस सारी आइटम हमें खाना बनाने के लिए चाहिए तो पहला टॉपिक हमारे इस चैप्टर में रहेगा वी विल प्रूव CO2 is for We will prove कि पानी भी जरूरी है और ऑक्सीजन कहां से निकलता है तो प्रूव प्रूफ करें बैठ के यस yes. तो हम कुछ आज सबसे पहला टॉपिक मेरा रहेगा एक्सपेरिमेंट पहले मैं आपको आज के ना गोल्स बता देती हूं रुको आज के गोल्स लिख लेते हैं तो आपको अंदाजा रहेगा कि हमारी क्लास कहां तक जाएगी सबसे पहला गोल बेटा जैसा कि हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम लोग आज ठीक है फिर हम थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस कहाँ हो रही है देन हम बात करेंगे अबाउट फोटो क्या होते हैं फोटो किस किस पिगमेंट से बनते हैं देन हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें हम नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक एज वेल एज साइक्लिक फोटोफॉसफोराइलेशन करते हुए दिखाई देंगे ठीक है ये सारे मेरे आज के गोल्स है एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वेरी एफिशिएंटली आराम से हो जाएंगे अगर तुम्हारा फोकस रहा ना ये सारे गोल तुम आज के आज कंप्लीट कर लोगे ठीक है जिस जिसको आता है वो अपना यहां पर बैठकर सुने सिर्फ अगर आपके नोट्स बने हुए हैं आप सिर्फ सुनो नोट्स नहीं बने हुए तो साथ साथ नोट करो नहीं नोट कर पा रहे हो सिर्फ सुन सकते हो तो आपको ये हैंड रिटर्न नोट्स मेरे द्वारा लिखे गए मेरे टेलीग्राम सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलेंगे ठीक है आप डालना टेलीग्राम पे ये पूरा पाउजा मेरा नाम है बायो अपना सब्जेक्ट है आगे ऑफिशियल डाल देना टू लैक प्लस उसमें लोग हैं वही वाला ज्वाइन करिएगा रेस्ट एवरीथिंग इज फेक तो ये नोट्स मैं आपके साथ क्लास के तुरंत बाद वहां भी शेयर कर दूंगी चलिए तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं हम लोग कि भैया लाइट वाइट असेंशियल है भी कि नहीं है कि बचपन से ऐसे ही गलत लिखते जा रहे हैं हमें पता चला दैट दिस इज द रॉ मटेरियल ये भी रॉ मटेरियल है ये भी रॉ मटेरियल है ये भी रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल की एसेंशियलिटी हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं सबसे पहले नंबर पे करेंगे एसेंशियलिटी एसेंशियलिटी किसकी ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रूफ करके बताओ कि लाइट भी एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस कैसे प्रूफ करोगे एक प्लांट ले लो एक हमने पहले से डी स्टार्च प्लांट ले लिया ठीक है यस इस पे पत्तियां लगी हुई हैं लगी हुई है, है मैम ठीक है यस डी स्टार्च है, है. प्लांट एक एक हाँ एक्सपेरिमेंट में ना पुराना स्टार्च ना आ जाए आपको पता है अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज बना है ना इसने स्टोर हो जाना है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च मतलब अगर कोई पत्ती फोटोसिंथेसिस कर रही है तो स्टार्च बनाएगी मानते हो क्या मानते हो अगर कोई पत्ती फोटोसिंथेसिस कर रही है तो उसको स्टार्च बनाना चाहिए मतलब अगर उसको ये चारों चीजें मिलेंगी तभी वो ग्लूकोज बनाएगी ग्लूकोज स्टार्च बनाएगा स्टार्च का ना एक टेस्ट होता है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि मुझे पता करना है कि इसने स्टार्च बनाया या नहीं बनाया तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ विद आयोडीन आयोडीन जब इस स्टार्च को मिलता है तो कलर चेंज हो जाता है कलर आ जाता है मेरे पास ब्लू ब्लैक कलर मतलब जहां पर मेरे पास आयोडीन से ब्लू ब्लैक कलर आया स्टार्च बना जहां नहीं आया स्टार्च नहीं बना स्टार्च नहीं बना मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो इसीलिए मैंने पहले से ना डी स्टार्च प्लांट लिया है ताकि पुराना स्टार्च बीच में इंटरफेयर ना करे और बीच में एक पत्ती के ऊपर क्या लगा दिया ब्लैक से है ना पेपर लगा दिया ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर बनाऊंगी तो चलेगा नहीं ना तो इसीलिए मैं बता रही हूँ ब्लैक पेपर हमने यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ पर सूरज के किरणों के अंदर रख दिया रख दे यस मेरे बच्चों सूरज की किरणों में रख दे ठीक है एक दो घंटे के लिए रखा एक दो घंटे के लिए रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी हर जगह है ना फोटोसिंथेसिस फिर हमने इस पत्ती को उतारा इस पत्ती को उतारा एक बीकर में डाला ये मेरा बीकर है ये मेरी पत्ती है इस पत्ती पर ये ब्लैक पेपर लगा हुआ था और इसके साथ मैंने क्या टेस्ट किया आयोडीन टेस्ट किया तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया आयोडीन कैन यू सी दिखाई दे रहे इधर कर देते हो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया आयोडीन ये देखिए आयोडीन डाल दिया अब हुआ क्या कि जो हिस्सा ओपन था यहां पर कलर आ गया ब्लू ब्लैक यहां पर भी कलर आ गया ब्लू ब्लैक कहा कलर नहीं आया कहां पर कलर नहीं आया यहां पर यानी कि इस हिस्से का कलर नहीं चेंज हुआ अगर इससे कलर नहीं चेंज हुआ मतलब इसने फोटोसिंथेसिस ही नहीं करी है ना फोटोसिंथेसिस ही नहीं करी क्यों नहीं करी इसने फोटोसिंथेसिस क्योंकि तुमने ऊपर ब्लैक पट्टी लगाई हुई थी ना इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं करी यहां से प्रूव हो जाता है दैट लाइट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस यस येस और नो इसमें नो कलर चेंज नो कलर चेंज का मतलब है नो फोटोसिंथेसिस इससे मेरा पहला एक्सपेरिमेंट तो प्रूव हो गया पहला जो रॉ मटेरियल है वो तो प्रूव हो गया वो ये कहता है मुझे में में मेरे साथ बात करे, बात ये ये आपस ना करें करें मत करे, जब मैं आपको बोलूंगी कि हाथ उठाना है तभी हाथ उठाना है नहीं तो हाथ नहीं उठाना है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहती हूं क्योंकि नहीं तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा प्लीज रियलाइज यू हैव टोटल फॉर नीट आज ही मैं अपने बच्चों को समझा रही थी जो मेरे साथ यू नो कनेक्टेड हैं प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे कि बेटा मैंने प्लांट फिजियोलॉजी इस समय इसीलिए चूज किया है क्योंकि आई नो कि आप आज इस महीने तो कुछ नया सीख पाएंगे लेकिन जैसे ही आप घुसे ना अगले साल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लिखना शुरू किया तुमने इस सेशन के नीचे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आया डेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे इसीलिए माइंड में बिठा लो कि जो जो मेरा बचा हुआ है जो जो मुझे नया सीखना है अभी फिकल्ट है एंड इट विल टेक योर एनर्जी इट विल टेक योर टाइम जो कॉन्सेप्टुअल चीज है वो इसी महीने निपटानी है इसी महीने मतलब डिसंबर डिसंबर में हमको कंप्लीट करना है तो मैं उस फोकस से अगर आपको करा रही हूं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वही फोकस मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कैन आई एक्सपेक्ट दैट कैन आई एक्सपेक्ट एंड एक चीज और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप पहली क्लास लगाएं तो प्लीज आखिरी तक जाएं एनटीए को नहीं पता या आपको क्या पता है कि पेपर आज की क्लास में से आएगा कल की क्लास में से नहीं आएगा परसों की क्लास में से नहीं आएगा पेपर किसी भी क्लास में से आ सकता है पेपर फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी से भी आ सकता है एंड पेज से भी आ सकता है तो तो बेटा हर क्लास लगाया करो मैं देखती हूं पहली क्लास में तो बच्चे बड़े जोश जोरों शोरों से आते हैं लेकिन अगली क्लास में फूस हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ना इंटेंसिटी आ जाती है करेंगे 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 यार फोड़ देंगे मजा आ जाएगा सब कर लेंगे लेकिन अगले क्लास में फिर थोड़ी बहुत आती है इंटेंसिटी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है सब इंटेंसिटी तेल लेने चली जाती है कंसिस्टेंसी नहीं है ना इंटेंसिटी से सिलेक्शन नहीं होगा कंसिस्टेंसी से होगा अगर आपको मेरा समझ आता है तो आपको डेली क्लास लगानी चाहिए नहीं समझ आता एक भी मत लगाओ जिसका समझ आता है उस पर लाओ

ये मैंने यहां पर ना एक बीकर लिया एक बीकर लिया जस्ट अ सेकेंड और इसकी एक पत्ती को डिप कर दिया इस बीकर में ठीक है यस yes. अब इस बीकर को मैंने भर दिया एक सोल्यूशन से आधे बीकर को भरा एंड दिस सोल्यूशन इज के ओ एच कौन सा सोल्यूशन है के ओ एच के ओ एच की प्रॉपर्टी है दैट इट एब्सॉर्ब्स CO2. टू इट एब्सॉर्ब्सू यानी कि जब मैं इस प्लांट को लाइट में रखूंगी तो इसको तो पूरी लाइट मिल रही है इस पत्ती के इतने हिस्से को लाइट मिल रही है लाइट तो इसको ही मिल रही है लेकिन CO2 की बात करें तो तो इस इतने इतने हिस्से हिस्से को को नहीं मिली और इतने हिस्से को CO2 मिल रही है घंटा तो इसको लाइट में रख देते हैं ये अपना फोटोसेंसोसिस करेगा फिर इस पत्ती को निकालेंगे और हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे चलो बीकर में ले आओ इस पत्ती को ठीक है इस पत्ती के आधे हिस्से को सीओ टू मिला था आधे को नहीं मिला था जब मैंने इसका आयोडीन टेस्ट किया किसके टेस्ट करते हैं हम आयोडीन आयोडीन टेस्ट करके पता चला कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें तो मुझे ब्लू ब्लैक कलर मिला मतलब स्टार्च बना नीचे वाले हिस्से में कोई भी कलर नहीं मिला दैट मींस दैट मीन्स जिस हिस्से को सीओ टू नहीं मिला उस हिस्से ने फोटोसिंथेसिस नहीं करी नहीं करी इसी वजह से तो कोई कलर नहीं आया ऊपर वाले हिस्से को सीओ मिल रहा था उसने अपनी बराबर फोटोसिंथेसिस करी, ग्लूकोज बनाया, स्टार्च में कन्वर्ट हुआ एंड वहां पर आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर आ गया यहां से पता चला कि भाई सीओ टू इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस अब इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट था ना मोल ने किया था किसने मोल एमओ एलई नी डबल एल

यस क्वेश्चन आता है light, CO2, पानी, आ जाएगा. CO2 के बारे में हमें मोल के द्वारा पता चला ठीके? तो ये कुछ बात होगी लाइट और सीओ टू की अब कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताने वाली हूं इन एक्सपेरिमेंट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं आ जाइए सम ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे पहला एक्सपेरिमेंट बेटा है वर्क ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टली बेटा जैसे साइंटिस्ट अपने खत्म हो जाएंगे ना आज टेस्ट लूंगी मैं ठीक है जोसेफ प्रिस्टली नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है ज्यादा पुरानी नहीं है 1770 में काम किया था और उसका रिजल्ट 1774 में आ गया था डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेट्स एनसीआरटी में दी हुई है तो जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया जोसेफ प्रिस्ली बोले मैं ना थोड़ा अतरंगी काम करना चाहता हूं मैं लेता हूं एक ग्लास का जार ये उल्टा करके ग्लास का जार रख दिया इसके अंदर कह रहे मैंने ले ली एक कैंडल ठीक के? है आजकल कैंडल यूज नहीं होती क्योंकि लाइट ही नहीं जाती लाइट जाती है तो इन्वर्टर चल जाता है बट इन्होंने 1770 की बात हो रही है ना कैंडल ले ली और कैंडल के साथ बिठा दिया एक माउस अब बेटा जैसा भी बनेगा मान लेना कि माउस है अब तुम्हें मछली लगे या कोई और लगे दिस इज माउस ठीक है तो एक ले ली कैंडल एक ले लिया माउस और उसको इनवर्टेड जार में रख दिया रख दिया ठीक है रख दिया कुछ समय बाद उन्होंने इन्वर्टेड जार का क्या मतलब है मतलब पूरा ऐसे के रख दिया ट्रांसपेरेंट सा जार है जिससे अंदर कोई हवा नहीं जा रही है देख रहे हो अंदर कोई हवा नहीं जा रही है हुआ क्या दैट आफ्टर टाइम आफ्टर ही सॉ दैट कैंडल तो बुझ गई कैंडल गॉट एक्सटिंग कैंडल बुझ गई और जिस माइस को लिया था माइस की बलि चढ़ गई एक तरीके से जो माइस था ही क्या हुआ इसमें कि कुछ समय बाद कैंडल भी बुझ गई और बेचारे जो माइस थे वो भी मर गए फिर बेटा कंक्लूजन निकला कि कैंडल के जलने से और इस माउस के सांस लेने से कुछ तो ऐसा हुआ जिससे हवा खराब हो गई है ना कंक्लूजन क्या निकाला कंक्लूजन क्या निकाला दैट ड्यू टू ड्यू टू लिखते हैं कंक्लूजन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कैंडल एंड ब्रीदिंग ऑफ माउस ब्रीदिंग ऑफ माउस देखिए एयर क्या हो चुकी है बैड हो गई है कुछ तो बैड हुआ एयर में है ना बेटा खराब कर दिया जिससे ना कैंडल जल पाई ना ही अल्टीमेटली मेरे माउस सांस लेकर जिंदा रह पाए फिर उन्होंने दोबारा टेक्निक निकाली चलो जी रुको एक उन्होंने टेक्निक निकाला कि यार अब कैंडल भी लेते हैं माउस भी लेते हैं पर साथ में पर बेटा साथ में कैंडल माउस को थोड़ा इधर डाल देते हैं एंड अपनी कैंडल को भी थोड़ा इधर रख देते हैं साथ में उन्होंने लिया मिंट प्लांट ये मैं क्या बना रही हूं मिंट का प्लांट ले लिया ठीक है मिंट का प्लांट जब उन्होंने लिया उन्होंने नोटिस किया यार कैंडल भी जलती रही माउस भी जिंदा रह गए ऐसा क्या हुआ तो इस केस में नोटिस हुआ दैट कैंडल केप्ट ऑन बर्निंग कोई बंद नहीं हुई एंड जो मेरा माउस था वो भी अलाइव रहा जिंदा रहा इससे क्या पता चला दैट मींस यहां से मुझे कंफर्म हुआ दैट कंपोनेंट्स व्हिच वर यूज्ड बाय माउस दे आर रिस्टोर्ड बाई मिंट मतलब जो चीज माउस यूज कर रहा था मिंट उसको देता जा रहा था अब आज के समय पर मुझे पता है आपको भी पता है कि ऑक्सीजन की कमी से हुआ है ऊपर कैंडल ने बुझना इसीलिए बंद किया क्योंकि उसको चलने के लिए चलना इसीलिए बंद किया क्योंकि उसको चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी कार्बन की कंबशन होगी तभी कैंडल जलेगी माउस जिंदा इसीलिए नहीं रह पाए क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए थी सांस लेने की ऑक्सीजन चाहिए अल्टीमेटली उस ऊपर वाले उसके जारियो टू की मात्रा बढ़ती गई दैट इज बोथ ऑफ देम कुड नॉट अब मिंट प्लांट ने कुछ तो ऐसा किया जिससे एयर फिर से रिस्टोर हो गई बैड एयर फिर से प्योरिफाई हो गई मिंट प्लांट ने ऐसा क्या रिलीज किया मिंट प्लांट ने क्या कंज्यूम किया और क्या रिलीज किया कंज्यूम उसने किया सीओ टू रिलीज उसने किया ऑक्सीजन है ना तो यहां से कंक्लूजन निकाल लेते हैं दैट कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स विच वर ये मैं कंक्लूजन निकाल रही हूं विच वर यूज बाय माउस एंड कैंडल आर रिस्टोर्ड बाय मिंट क्या ये लाइन ठीक है आर रिस्टोर्ड बाय मिंट यस मेरे बच्चों बताते जाओ मुझे आप नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि बेटा हम ठीक स्पीड में चल रहे हैं समझ आ रहा है नहीं आ रहा कुछ चेंज करना है नहीं करना ओहो एक मिनट रुको रुको हाँ जी जस्ट अ सेकेंड एक मिनट मैं इसको छोटा कर लूँ फिर मैं आपका कमेंट देखती हूँ यस अब सही है हाँ जी अब दिख देख रहे बढ़िया समझ आ रहा है वेरी गुड वेरी गुड अभी बताने वाली हूं बताने वाली बताने वाली हूँ ठीक है इसके बाद यहां से मुझे पता चला कि जो फाउल एयर उस टाइम तो गंदी एयर बोलते थे उनको CO2 ऑक्सीजन कुछ नहीं पता था वो कह रहे थे द फाउल एयर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कैंडल कुड बी कन्वर्टेड इनटू प्योर एयर बाय प्लांट इस फाउ लेयर को उन्होंने बोला फ्लॉजिस्टोन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दी हुई एनसीईआरटी में यहां से पता चला दैट द फाउल एयर जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लॉजिस्टोन सब बच्चे याद करें जो कि कैसे बनी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कैंडल बर्निंग ऑफ कैंडल कैंडल के चलने से बनी एंड माउस के सांस लेने से बनी कुड बी कन्वर्टेड इनटू कुड बी कन्वर्टेड इनटू डी फ्लोजिस्टॉन क्या हो गया डी बेटा जी हो गया प्योर एयर आप इस गंदी हवा को प्योर हवा में कन्वर्ट कर सकते हो बाय प्लांट प्लांट ने कुछ तो ऐसा रिलीज किया जिसने जो गंदी हवा थी प्लांट ने ले ली एंड अच्छी चीजें रिलीज की अब ये गंदी हवा फाउल एयर क्या है सीओ टू अच्छी हवा प्योर एयर क्या है O2. यहां से जोसेफ ने डिस्कवरी की ऑक्सीजन की एंड द ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड इन 1774. वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर 1774. कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा जोसेफ प्रिस्लि का रहेगा क्योंकि यहां से हवा के बारे में बस वो पहचान रहे थे कि कुछ गंदा रिलीज हुआ गंदे रिलीज होने से वो मर गए अब जब प्लांट आया तो वो गंदी चीज प्लांट ने ले ली एंड कुछ अच्छा रिलीज किया हवा प्योर हो गई यानी कि ऑक्सीजन आ गया एंड प्लांट भी माउस भी सर्वाइव किया एज वेल एज कैंडल भी जलती रही ठीक है अब इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं प्रिस्ले ने नहीं किया इस एक्सपेरिमेंट का नंबर आया सेवनटीन सेवेंटी नाइन में इस सेम इस बेटा सेम टर्स को यूज किया लेकिन लाइट और डार्क में तो लेट मी यूज द सेम ऑपरेटर्स मैं यहां से कर लेती हूं इसको कॉपी हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला नंबर आया बेटा जैन इंजन हाउस डिफरेंट साइंटिस्ट ठीक है जैन इंजन हाउस यार देखते जाना 1770 में एक्सपेरिमेंट हुआ 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर हुई अब ये ईयर आ जाएगा 1779 यही सेम आपरेटर्स है पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर चलिए यही बेटा जी सेम आपरेटर्स है आ, कैसे करते थे आ, ओके दो बारी पेस्ट करती हूँ इंजन हाउस ने क्या किया इसे एपरेटस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ किया उसने कहा कि एक बारी मैं इस एपरेटस को रखता हूं लाइट में एक बारी रखता हूं डार्क में फिर देखता हूं ऑक्सीजन किसमें बनी है ना इंजन हाउस ने क्या किया एक बारी इस वाले को रखा सूरज की किरणों के अंदर यानी कि इसको रखा लाइट में एंड इस वाले एक्सपेरिमेंट को रखा डार्क में कौन जिंदा कब रहेगा बताओ माउस कब मरेंगे बताओ यहां कैंडल का क्या हुआ और माउस का क्या हुआ और उधर कैंडल और माउस का क्या हुआ जब इंजन हाउस ने पूरे ऑपरेटर्स को लाइट में रखा तो कैंडल भी लिट रही चलती रही एंड माउस भी जिंदा रहे अलाइव रहे लेकिन जब डार्क में रखा तो बेटा आ गई बेचारे माउस की माउस विल बी डेड माउस डाइड एंड आपकी कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड कैंडल भी बुझ गई क्या निष्कर्ष निकालोगे वैसे निष्कर्ष हम पहले भी निकाल चुके पहली स्लाइड में निकाला है बट क्या यहां से पता चला कि जो ऑक्सीजन है ग्रीन प्लांट्स तभी बनाते हैं जब लाइट होती है तभी होगी जब लाइट होती है तो यहां से क्या कंफर्म हुआ द कंक्लूजन बी कंक्लूजन बी कि जो प्योरिफिकेशन की बात प्रिस्ले कर रहे थे प्योरिफिकेशन ऑफ एयर और फॉर्मेशन ऑफ डी फ्लॉजिस्टॉन और फॉर्मेशन ऑफ डी फ्लॉजिस्टॉन क्या वो अंधेरे में हो जाएगा नहीं ये प्योरिफिकेशन ऑफ एयर और फॉर्मेशन ऑफ डी डी फ्लॉजिस्टॉन एक तो होगा ग्रीन प्लांट्स के द्वारा लेकिन अंधेरे में नहीं होगा ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये काम सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो यहां से हमें अगेन असेंशियालिटी ऑफ लाइट पता चली कि अगर मुझे ऑक्सीजन बनाना है तो लाइट की प्रस्तुति में ही बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा यस मेरे बच्चों क्लियर है ये एक एक्सपेरिमेंट था इंजन हाउस का इंजन हाउस के एक नहीं दो एक्सपेरिमेंट थे हां जी दो एक्सपेरिमेंट थे बी एक्सपेरिमेंट यहां लिखने वाली हूं यस सारे दिए हुए हैं मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रही हूं अगर आपको कभी दिखे ना कि मैम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रही जा रही है एनसीआरटी से वो सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि उसमें पीवाई क्यू कोई ना कोई अड़ता होगा इसीलिए मैं उसको उसके लिए एक्स्ट्रा जाऊंगी नहीं तो मैं उतना ही जाऊंगी जितने से आपके सारे न्यू सवाल भी एंड पीवाई क्यूज भी एंड जो कॉन्सेप्चुअल सवाल इसमें से आने वाले हैं वो सॉल्व हो जाए ठीक है अगर मैं बिल्कुल रीडिंग करूंगी यहाँ पर फोटोसिंथसिस की दैट मेक एनी सेंस यार सिर्फ रीडिंग ब्लाइंडली इट उससे आप बायो सीखते नहीं है आप धोखे में रहते हैं आपको लगता है आपको सब आ गया बट आता नहीं है

आप आज एक्सपेरिमेंट करके देखना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना आज जाकर घर पे जाकर घर पे तो क्या ही जाओगे मतलब क्लास के बाद इतने पोर्शन की एनसीईआरटी पढ़ना तुम खुद बता दोगे कि अकेली एनसीईआरटी पढ़ते तो क्या था करके पढ़ रहे हो तो क्या है आज दूंगी चैलेंज दूंगी आज चलो जैन इंजन हाउस का दूसरा एक्सपेरिमेंट दैट इज इनवर्टेड फनल दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लू ये ए लिखा है ये बी लिखा है दिख रहा है ना हा इनवर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट बाय इंजन हाउस बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है इसमें इंजन हाउस ने किसको लिया देखो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा साइंटिस्ट किस साल में किसको एक्सपेरिमेंटल मॉडल ले रहा है जैसे जोसेफ प्रिस्टली के मॉडल कैंडल था माउस था ठीक है तो ऐसे जब साइंटिस्ट का नाम आ रहा है तो उसका एक्सपेरिमेंटल मॉडल भी पता होना चाहिए तो यहां पे इसने क्या लिया इनवर्टेड फनल्ली और प्लांट लिया हाइड्रिला वाटर प्लांट लिया तो यहां पर वाटर प्लांट ले लिया हाइड्रेला याद रखना है काम किसके साथ किया हाइड्रेला विच इज अ वॉटर प्लांट एंड इसके ऊपर लगा दी इन्वर्टेड फनल ये पानी है ठीक है ऑब्वियसली पानी में ही रहेगा ये इसने फोटोसिंथेसिस करी होगी फोटोसिंथेसिस करने के बाद हमने नोटिस किया कि यहाँ पर ना बबल बनने चालू हो गए फनल के अंदर उल्टी फनल लगा दी और उसमें हमने नोटिस किया कि यार बबल्स बन गए इस इन्वर्टेड फनल में नोटिस हुआ कि बबल्स बन गए बबल्स क्या है बबल्स कोई ना कोई गैस है और गैस क्या है ऑक्सीजन और यह वाला एक्सपेरिमेंट भी तभी किया ऑब्वियसली जब सनलाइट थी तो इन दोनों से उसने प्रूव कर दिया कि ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन तभी बनाएंगे जब उन्हें लाइट मिलेगी बिना लाइट के कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं बनाने वाला बस ये दो एक्सपेरिमेंट थे इंजन हाउस के तो इंजन हाउस से हमें पता चला उसने लाइट के बारे में बताया लाइट इज फॉर उसने बताया ओटू तभी तो बनेगा जब लाइट आएगी चलो जी इंजन हाउस हमारा डन हो गया अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पर जिसका नाम है जूलियस वॉन सैक्स जूलियस वॉन इन्होंने कुछ शेक लाइनें बताई थी 1854 में बताया इन्होंने बताया कि यार फोटोसिंथेसिस से बनता तो ग्लूकोज है ध्यान से सुनना फोटोसिंथेसिस से बनता तो क्या है ग्लूकोज है क्योंकि C6H12O6 क्या होता है ग्लूकोज बट दिखता नहीं है यानी कि अगर मैं प्लांट का क्लोरोप्लास्ट चेक करूं तो मुझे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा मुझे यहां पर बैठा हुआ कोई और मॉलिक्यूल दिखेगा एंड दैट मॉलिक्यूल इज नन अदर देन स्टार्च है ना तो ये बोलते थे जूलियस वॉन सैक्स ने प्रूव किया कि बनता तो ग्लूकोज है लेकिन स्टोर ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च तो अगर कोई तुमसे पूछे दैट विच वन इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चों यस अगर कोई पूछे विच वन इज द फर्स्ट विजिबल दिखाई क्या दिया जब तुम चेक करने गए तो दिखाई क्या दिया फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटो इज नॉट ग्लूकोज ऑप्शन में ग्लूकोज होगा लेकिन ग्लूकोज नहीं दिखता है दिखता क्या है हमें स्टार्च क्योंकि ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च राइट गलती मत करके आना ग्लूकोज सिलेक्ट करके मत आना चलो अब चलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर अगले एक्सपेरिमेंट के लिए मैं फिर से फोटोसिंथेसिस का एक एम्पेरिकल इक्वेशन लिखने वाली हूं अब एम्पेरिकल इक्वेशन क्या होता है ये आपको पता होगा पता है एम्पेरिकल इक्वेशन लिखूंगी जिसमें कोई बैलेंसिंग नहीं करूंगी हां जी लिख दिया लिख दू हां जी तो अब जब मैंने इक्वेशन लिखी मैंने देखा कि सीओ टू और वॉटर मिल कहीं ना कहीं ओटो निकाल असली में ऐसा नहीं है असली में बेटा यहाँ पानी भी निकलेगा इसको हम सी, सी वो लिखेंगे ये बस शुगर का एक जनरल फॉर्मूला है मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला है तो मैंने लिख दिया कोई दिक्कत यहां तक बेटा कोई दिक्कत अच्छा मैंने नहीं बोला तो तुमने नहीं किया बताओ क्या मैं नहीं बोल रही हूं तो तुम नहीं कर रहे हो बड़े ढीठ हो यार मैंने नहीं बोला तो तुमने नहीं किया कर दो फिर बिना बताए कर दो बिना बोले कर दो जस्ट अ सेकेंड लेट मी पिक माई वॉटर बॉटल मैंने नहीं बोला तो तुमने किया भी नहीं And that is, अभी भी नहीं किया अभी भी नहीं किया लाइक like नहीं किया क्यों नहीं किया सीख नहीं रहे हम मजा नहीं आ रहा है आपको सीख नहीं रहे हो लिख नहीं रहे हो समझ नहीं रहे हो तो जब मेहनत लगती है सामने वाले की तो अटेंडेंस लगाकर लाइक करना मोटिवेट करना बहुत जरूरी है है ना फटाफट से जितने बच्चे इस क्लास में प्रेजेंट है सारे के सारे बच्चे लाइक करें सेशन को लाइक करो जब तक मैं पानी पी रही हूं सब बच्चे लाइक कर दो तभी मैं अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बताने वाली हूं लाइक करना है बेटा इमोजी नहीं बनानी है वीडियो को लाइक करना है मेरे को तो लग रहा है मेरी वीडियो हैंग हो गई है लेट मी रिफ्रेश हाँ यस फटाफट से कर दो सब बच्चे कर दो मुझे बोलना ना पड़े जितने बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं Learn कर रहे हैं मेरे साथ सीख रहे हैं सीप मैम के साथ जुड़े हुए हैं तो एक ही तरीका like तो तो देने पड़ेंगे दो हजार चार हजार की ये सेशन देख पाओगे और सीख पाओगे मेरा लिंक ट्री आप जानते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आप बिल्कुल जाकर वहां पर सीख सकते हैं शेर, शेर है अपने सारे दोस्तों के साथ ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज टू एक्नोलेज द एफर्ट डन बायर एजुकेटर्स और एक्नोलेजमेंट का आपसे सिर्फ दो चीजें मांगी गई है एक तो सेशन को लाइक कर दिया करो और जाने से पहले कॉमेंट जब सेशन बंद होता है तो एक कॉमेंट जरूर करके जाया करो दैट इज रियलीमेंट करने से क्या होता है अब आपने तो यार यहाँ पर एक घंटा लगा के सेशन देखा मान लो कल को कोई नया बच्चा आया उसने सेशन खोला उसको कैसे पता कि मैं आपने एक घंटा यहाँ डेडिकेट करूंगी कि ना करूँ क्या मेरे को फायदा होगा कि नहीं होगा तो बस आपको अपना एक्सपीरियंस लिख के जाने ताकि आपके जूनियर्स को या आपके फेलो स्टूडेंट्स को फायदा हो पाए है ना कि वो भी टाइम लगाए टाइम बहुत कीमती है बेटा असल में टाइम की बहुत वैल्यू है तो दे हैव टू नो वेदर दे शुड स्पेंड टाइम और नॉट बस वही अपना एक्सपीरियंस लिख के जाना है आपको अच्छा लगे आप अच्छा लिखिए आपको बुरा लगे आप बुरा लिखिए लेकिन लिखिए ठीक है थीके? बस लिख दिया करो हां जी तो अगला करने वाले हैं हम दैट इज गोइंग टू बी एम्पेरिकल इक्वेशन अब ध्यान दो सीओ टू सब बच्चों का फोकस मेरी तरफ कम हियर एवरीवन कम हियर यस co2 c और o है इसमें h2o h और o थोड़ा सा केमिस्ट्री भी बेटा मैं बता दूंगी मुझे खैर इतनी आती नहीं माफ कर देना बट जितनी बायो में चाहिए ना उतनी केमिस्ट्री मुझे आ जाती है ठीक है उतनी केमिस्ट्री मुझे आ जाती है तो CO, co2 में c और o है h2o में h और o है यहां पर भी o निकल रहा है अब पुराने समय में सवाल जनरेट हुआ कि ये जो ओटो निकल रहा है क्या वो H2O से निकल रहा है कि भाई H और ओ ऐसे टूट रहे होंगे या फिर ये ऑटो निकल रहा है CO2 में से है ना क्वेश्चन आता है कि ओ आया कहां से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है सब कुछ सबस्ट्रेट से ही आता है सबस्ट्रेट मेरे पास दो है तो या तो ये आया सीओटू में से या तो ये आया एच टू में से कहां से आया पुराने जमाने के लोग लोग मतलब साइंटिस्ट मानते थे कि ये जो O2 आया ना ये इससे आया ओल्ड व्यू ये मेरा ओल्ड व्यू था लेकिन नए एक्सपेरिमेंट जो अभी मैं करने वाली हूं उसके अकॉर्डिंग प्रूव हो जाएगा ये जो दैटोटू आया है वो एच टू से आया है CO2 से नहीं आया. आ तो कहीं से भी सकता था क्वेश्चन तो बनता है तो प्रूव किसने किया दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वॉटर एंड नॉट फ्रॉम सीओ टू वो हम अभी अगले उसमें करने वाले हैं तो आ जाओ तो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स तो लिख रही हूं साथ में दो तीन है टू प्रूव दैट ऑक्सीजन केम फ्रॉम ऑक्सीजन केम फ्रॉम वॉटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड नॉट इसके बेटा तीन एक्सपेरिमेंट आते हैं हमारे सामने तीन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया पहले साइंटिस्ट ध्यान दीजिएगा बेटा फर्स्ट वन इज सीबी वॉन नील सेकेंड वन इज रॉबिन हिल थर्ड वन इज रूबेन एंड केमन रूबेन एंड केमन इन तीनों ने तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया कि भाई जो ऑक्सीजन आ रहा है ना वो पानी से आ रहा है ऑक्सीजन CO2 से नहीं आ रहा पहला एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीबी वॉन नील ये आपके एनसीआरटी में भी दिया हुआ है इस एक्सपेरिमेंट को हम पहले प्रूव कर लेते हैं सीबी वॉन नील ने अपने एक्सपेरिमेंटल मटीरियल में लिया पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पहले मैं एक का कर रही हूं पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया सल्फर में पीएच आता है ना यस पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इन्होंने लिया ये कौन है ये तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये कौन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है यानी कि इन बैक्टीरिया के पास इतनी क्षमता है कि दे कैन फिक्स यू टू ये कौन है फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया है ठीक है अरे खुद से लिख रहा है ये तो रेजर कहा गया ये क्या है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया के पास क्षमता है कि फिक्स सीओ टू है ना ये सीओ टू को फिक्स कर सकते हैं लेकिन इनकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पता क्या है सीओ टू प्लस एच टू एस टू फॉर्म सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सल्फर इन्होंने फोटोसिंथेसिस तो करी बड़े शातिर है बेटा ये फोटोसिंथेसिस मतलब CO2 को फिक्स करके अपने काम का ग्लूकोज बना लिया लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया अगर ऑक्सीजन बेटा जी CO2 से ही आना था इनके पास CO2 तो था ऑक्सीजन आना चाहिए था लेकिन ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया सल्फर आ गया यानी कि यहां से प्रूव होता है कि ऑक्सीजन के लिए मुझे CO2 चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन के लिए तो मुझे ओ हो एक मिनट है माय बैड माय बैड माय बैड ऑक्सीजन के लिए तो मुझे वाटर चाहिए माय बैड टू H2S आना था हाँ यस yes. दोबारा सुनो एक बारी व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर यहाँ पर पानी होता तो ऑक्सीजन बन जाता लेकिन यहाँ पर CO2 था CO2 अगर हमें ओल्ड व्यू को लेकर चलूं कि CO2 से ऑक्सीजन आती है तो यहां ऑक्सीजन बननी चाहिए थी लेकिन बनी नहीं यहां क्या बन गया सल्फर यानी कि ऑक्सीजन अगर निकालना है तो पानी का यूज करना पड़ेगा एच टू एस से बात सीओ टू से बात नहीं बनेगी तो यहां पर कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई नो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस फोटो बोल सकते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है यहां पर सीओ टू होने के बावजूद कोई ऑक्सीजन नहीं आया कोई ऑक्सीजन नहीं आया तो ऐसे प्रूव हो गया दैट ऑक्सीजन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वॉटर एंड नॉट बायो टू ठीक है जी यस yes, प्रूव हो चुका है प्रूव हो गया हमारी जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स की हमारी मतलब प्लांट्स मैं अपने आपको प्लांट कंसीडर कर रही हूं कर लू हमारी जो फोटोसिंथेसिस है उसमें पानी टूटता है और पानी से ऑक्सीजन निकलता है लेकिन ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में H2S टूटा और कोई ऑक्सीजन तो नहीं निकला क्या निकल गया सल्फर निकल गया तो ग्रीन प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजेनिक इनकी फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीजेनिक क्या ये बात समझ आई वॉन हो गया का yes. क्लियर हो गया बताओ क्योंकि यहां पर हमने पानी को यूज नहीं किया ये हाइड्रोजन डोनर के लिए H2S को यूज करते हैं वाटर को यूज नहीं करते तो वाटर को यूज ही नहीं किया तो ऑक्सीजन आएगा कहां से हां जी नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड वाज डन बाय रॉबिन हिल जस्ट मैं इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बाकी नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ओके okay, आप लिख चुके होंगे अब तक तो हाँ ये सारा एक्सपेरिमेंट मेरा था वॉन नील का अब जरा रॉबिन हिल की बात कर लीजिए रॉबिन हिल ने काम किया था एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे एंजियोस्पर्म पे जिसका नाम है टिलारिया मीडिया टिलारिया मीडिया ठीक है जी यहां से भी इन्होंने यही प्रूफ किया दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वॉटर ठीक है कैसे प्रूफ किया इसकी आपको अभी के रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये पोर्शन आपका एनसीईआरटी में नहीं कवर होता ना इस पे इतना सवाल आता एक्सपेरिमेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है रूबन और केमन का रूबन एंड केमन ने काम किया था क्लोरेला पे ही वर्क्ड विथ क्लोरेला क्लोरेला आपको पता है यूनिसेलुलर एल्गी है यूनिसेलुलर एल्गी है तो देख ले बेटा रूबेन एंड कैमन का एक्सपेरिमेंट आ जाओ मेरे साथ इन्होंने दिमाग लगाया क्लोरेला का क्लोरोप्लास्ट ले लिया सॉरी क्लोरेला को यहां पर डिप कर लिया पानी में एल्गी है ना तो वाटर में रहेगी ये मेरा बीकर है ये मेरा मीडियम है मीडियम में मैंने पानी रखा है और ये मेरी क्लोरेला है समझ रहे हो

तो उसने दिमाग लगाया ऐसा करता हूं पानी में जो ऑक्सीजन है वो अठारह वाला यूज कर लेते हैं जो CO2 में ऑक्सीजन है उसको 16 वाला ले लेते हैं यहां से देखते हैं कि ऑक्सीजन कौन सा आता है जब इसको लाइट दी इस क्लोरेला को बेटा क्या दी गई लाइट दी गई ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन आया बिल्कुल आया लेकिन कौन से वाला आया 18 वाला ऑक्सीजन आया ये ऑक्सीजन 18 वाला किसके साथ एसोसिएटेड था पानी के साथ एसोसिएटेड था तो यहां से प्रूव हो गया दैट ऑक्सीजन इज कंट्रीब्यूटेड बाय कंट्रीब्यूटेड बाय हु ऑक्सीजन इज कंट्रीब्यूटेड बाय पानी नॉट CO2 यस yes, मेरे बच्चों क्लियर हो गया सबको ये बात बिल्कुल 100% क्लियर हो गई तो ये तीन एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके द्वारा पता चलता है कि ऑक्सीजन कहां से निकलता है वॉटर से निकलता है सीओ टू से नहीं निकलता है मतलब यहां से हमने दो चीजें और सीखी कि भाई फोटोसिंथेसिस तो दो तरीके की हो गई कोई ऐसी फोटोसिंथेसिस है जो कि ऑक्सीजेनिक है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है एक अभी थोड़ी देर पहले वॉन नील के एक्सपेरिमेंट में देखा एक फोटोसिंथेसिस तो ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता ऑक्सीजन नहीं निकलता मतलब एनऑक्सीजेनिक है ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं हम हम यानी कि ग्रीन प्लांट्स

चिल्ड्रेन लाइक टू थ्री चिल्ड्रेन टू थ्रीड्रेन वेरी मेच्योर लगता ही नहीं की वो बच्चे हैं तीन साल के हैं या चार साल के हैं बिल्कुल ऐसे मेच्योर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये साइनो बैक्टीरिया भी ऐसा ही है ठीक है ये जो साइनो बैक्टीरिया ना ये भी ऐसा ही है साइनो बैक्टीरिया है तो बेचारा उधर नीचे मोन्ड्रा में लेकिन बिहेव करता है मोस्टली बड़े बड़े ग्रीन प्लांट्स की तरह तो इसकी भी फोटोसिंथिस क्या है इसकी फोटो सिंथिस क्या है ऑक्सीजेनिक है ठीक है ऑक्सीजेनिक है और क्या एग्जांपल हमने देखी ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो अगर कोई लाइन बोले कि ऑल बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज एनऑक्सीजेनिक गलत सारे बैक्टीरिया की नहीं है क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन आ जाता है साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कोई हम बी जी ए बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी तो सारे बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस से नहीं होती है एक है जो दादी रानी की तरह बिहेव करता है दैट इज बीजीए बीजीए ठीक है डन मेरे बच्चों तो यहां तक मैंने आपको मोस्टली एक्सपेरिमेंट बता दिए दो एक्सपेरिमेंट मैंने रोके हैं क्योंकि वो भी थोड़ी देर में आएंगे एंजलमेन और एमरसन इफेक्ट ठीक है ये दो रोके क्योंकि वो आने वाली चीजों से हम समझेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक क्लियर हो गया सबको तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार सेशन को लाइक करते जाओ अब चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती कहां है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वी स्टार्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तुम बोलो प्लांट ले ले आओ ले आओ मैम प्लांट प्लांट के पास ग्रीन पार्ट होता है यूजुअली ये जो ग्रीन पार्ट है वो पत्ती होती है लीफ होती है इस लीफ का अगर मैं एनाटॉमी देखूंगी तो इस लीफ के पास ये एपिडर्मल सेल होता है यहां पर वास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम होता है और यहां पर हरे हरे कलर के सेल बना देते हैं ज मीजोफिल सेल्स ठीक है यस तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी जिस में आपको दिखा रही हूं कि पत्ती का जब तुम सेक्शन लोगे तो एपीडर्मिस के नीचे मुझे मीजोफिल सेल्स दिखाई देंगे इन्हीं मीजोफिल सेल के पास मीजोफिल सेल के पास एक ऑर्गेनली होती है सेल चैप्टर में पढ़ा था नाइन्थ क्लास में पढ़ा था एक ऑर्गेनली होती है जिस ऑर्गेनली को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस की जगह कहां है क्लोरोप्लास्ट अब क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें स्ट्रक्चर देख लें कितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है टू मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन तो ये एक मेम्ब्रेन ये मेरी दूसरी मेम्ब्रेन बोथ द इज नो यू नो इनफोल्डिंग लाइक माइटोपॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रा में तो इनफोल्डिंग होती है इसमें कुछ नहीं है ठीक है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है इस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली में मुझे यहाँ पर ऐसे गोल गोल सैक लाइक -like, बोरी की तरह बैठे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इन स्ट्रक्चर्स को मैं बोलती हूँ थाइलेकॉइड मतलब ये जो एक है ना दिस इज कॉल्ड एस इधर आ जाते ये जो एक दिखाई दे रहा है दिस वन थाइलेकॉइड 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 था मतलब ये बोरी जैसे स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठे हैं जब थाकॉइड ऐसे ग्रुप में बैठ जाते हैं एक एक के ऊपर तो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रानम एक है तो ग्रानम प्लूरल है तो ग्राना दिस इज कॉल्ड एज ग्रानम सिंगल है ना अगर मैं प्लुरल की बात करूं ग्रुप की बात करूं तो हो जाएगा ग्राना एक द, एक गोले को क्या बोला था दिस इज कॉल्ड एज थाकॉइड क्या बोला था बेटा जी इसको थाइले याद रहेगा को अगर तुम ध्यान से देखोगे एक तो थाइले के पास ये है इस में बड़ा काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसी मेमब्रेन में चलाएंगे हम यस यहीं ये पर चलाएंगे और ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है ये एक्चुअल में खाली नहीं है ये वाली जगह लेटमी जस्ट्रॉइट ये दिस इज नॉट खाली ये इस जगह को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन क्या बोलते हैं इसको ल्यूमेन तो ल्यूमेन का भी बहुत बड़ा रोल है एंड दिस मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड हैज अ वेरी बिग रोल दिस मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड एज फ्रेट मेम्ब्रेन क्या बोलोगे इसको फ्रेट मेम्ब्रेन ओके तो इसकी मेम्ब्रेन को नाम दे रही हूं फ्रेट मेम्ब्रेन ठीक है फ्रेट मेम्ब्रेन अब ये जितना भी माल मसाला यहां प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा स्ट्रोमा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आधा काम स्ट्रोमा में भी होगा फोटोसिंथेसिस का दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा ठीक है जी याद रहेगा अब कुछ तो मेरे ग्राना ऐसे हैं जो ऐसे अकेले अकेले बैठे हैं कुछ ऐसे ना आपस में कनेक्टेड भी होते हैं लेट मी ड्रॉ द कनेक्शन ना कुछ इस तरीके से कनेक्टेड भी होंगे ये जो कनेक्शन हैं दिस कनेक्शन आर कॉल्ड एज स्ट्रोमल लेमेले ट्रोमल लेमेले और इनको फ्रेट लेमेले भी बोल सकते हैं लेमेले और फ्रेट लेमेले। यानी कि इंटर बिटवीन द ग्राना, दिस इज डन बाय स्ट्रोमल लेमेले। ओके। मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है ये आउटर मेम्ब्रेन है इसके बारे में कोई शक नहीं है और अंदर वाली अंदर मेम्ब्रेन है इंटरनल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के पास स्ट्रोमा है ठीक है जी तो ये मेरी मेजर साइट है फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस हुई पत्ती के पास ग्रीन पार्ट के पास पत्ती की एनाटॉमी देखी तो वहां सेल 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 दिखा mesophil cell. Mesophil cell के अंदर गए तो दिखी जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा तो मुझे एक तो स्ट्रोमा दिखा दूसरा मुझे ग्रैना दिखा तो स्ट्रोमा ग्रैना स्ट्रोमा ग्रैना याद रखना इसी में हम सारी रिएक्शन करेंगे फोटोसिंथेसिस की अब जब इसने फोटोसिंथेसिस कर ली तो मुझे यहां क्या दिखेगा क्या यहां पर ग्लूकोज बना दो बताओ तुम बता दो तो मैं बना दूंगी तुम यस बोल दो तो मैं कर दूंगी यस मतलब यू गाइज आर सच अ मैड पर्सनैलिटी सच मैड पर्सनैलिटी कौन है ये कौन है यहां पर एक मिनट रुक जाओ बेटा पढ़ाई पे ब्रेक लगाओ ये कौन है लोन आयत बेटा आज तो आप लोनो कल को अलोन हो जाओगे और जिस दिन आप लोनली हो गए ना मैं आपको बता रही हूं अच्छा नहीं होगा आपका ध्यान कहां है बेटा वेयर इज योर यू नो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आएगा बेटा लोन को जरा अलोन कर दो सब बच्चे ब्लॉक कर दो मैंने तो कर दिया यहां से ब्लॉक कर दो दिस इज एब्सोल्युटली मतलब रविश थिंग हम इतना इंपॉर्टेंट यूनिट कर रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं इतना बड़ा चैप्टर है अभी हमने स्टार्ट किया है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इतनी बढ़िया प्रेपरेशन हो रही है आई एम नॉट श्योर मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है ये लोन आयत नीट का फॉर्म बेटा जरूर भरेंगे मैं बाकी बच्चों से बात कर रही हूँ नीट का फॉर्म जरूर भरेंगे और मैं बता रही हूँ 22 लाख में से 10 लाख बच्चे लोन आयत की तरह कि जो फॉर्म भर के सिर्फ जगह ले जगह ले रहे हैं एक्चुअल में बेटा इनका सिलेक्शन होना जाना नहीं है क्योंकि सिलेक्शन इससे थोड़ा होता है कि टीचर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है टीचर कहाँ घूमने गया इसकी मम्मी कौन है पापा कौन है भाई कौन है पति कौन है बच्चा कौन है आपको इससे मतलब है ये क्वेश्चन आएगा जो पूछ रहा है वो भी वेला आदमी जो बता रहा है वो उससे वेला क्योंकि उसका आंसर ही गलत है वो तो बिल्कुल ही गलत चल रहा है एब्सोल्युटली फॉल्स एंड जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी बेटा फॉर्म भरेंगे कंपटीशन कम हो रहा है बस मैं बता रही हूं लोन आयत जैसे बच्चों से कंपटीशन क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है कम हो गया बेटा काफी कॉम्पिटिशन थैंक यू बेटा एक नहीं दो बारी फॉर्म भरना ठीक <coughs> है अपने साथ वाले लोगों से भी जरूर फॉर्म भराना और आप लोग डरना नहीं कि इस बारी नीट में 24 लाख बच्चा बैठ रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चा तो यही है डोंट बी रियल स्टूडेंट्स आर वेरी लेस बहुत कम बच्चे होते हैं असल में जो सच में क्रैक करते हैं बहुत कम बच्चे जो सच में पढ़ाई कर रहे होते हैं आधे बच्चों का दिमाग तो यही है yes? बहुत कम बच्चे होते हैं चलो आ जाओ <coughs> हाँ बेटा ऑफ कोर्स स्ट्रोमा में यहाँ राइबोसोम भी होगा सेवन टाइप का राइबोसोम होगा मैं आपसे कुछ और पूछ रही थी मैंने वो नहीं बनाया वो मैं सेल में बनाती हूँ बेटा डिटेल मैंने बाकी चीजें यहाँ नहीं डाली है कि डीएनए भी है सर्कुलर डीएनए है सेवेंटी एस राइबोजोम है इंपॉर्टेंट चीज मैं फोटो सिंथेसिस से रिलेटेड पूछ रही थी क्या मैं यहाँ पर जब फोटो सिंथसिस करेगा तो ग्लूकोज ड्रॉ कर दू नहीं कर सकते क्योंकि अभी पीछे किसने जूलियस वॉन सैक्स ने बताया था कि ग्लूकोज तो दिखता ही नहीं है अगर मुझे विजिबल प्रोडक्ट देखना है तो वो विजिबल प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं होगा वो कौन होगा स्टार्च होगा स्टार्च ग्रेन इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट वही शुगर हमें क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देती है क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं वो स्टोर होकर स्टार्च की फॉर्म में पड़ी रहती है ठीक है तो ग्लूकोज यहां पर नहीं बनेगा चलो अब कर लेते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस पे आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस शुरुआत करते हैं बेसिक मैंने आपको काफी हद तक बता दिया है ये जो फोटोसिंथेसिस है ना इसमें हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे पहले रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन दूसरे रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन 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 ये reaction Rxn, Rxn मतलब है मेरे ख्याल से आप इतना केमिस्ट्री यू नो शॉर्ट फॉर्म समझ जाएंगे अगर मैं लिखूंगी तो आधा काम बेटा स्ट्रोमा में हो रहा है आधा काम मेरे थाइलेकोइड में हो रहा है ये जो लाइट रिएक्शन है जिसका नाम लाइट है इस वाली रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं लाइट आती है इस लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इस लाइट से केमिकल बना लेते हैं ये काम कहां पर हो रहा है थाइलेकोइड में ठीक है ये जो व्हाइट वाइट से मैंने बनाया ये ये या ये, ये, ये लैमेले इसमें ये काम हो रहा है यानी कि लाइट को केमिकल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है थाइनोकोइड में हो रहा है लाइट डिपेंडेंट है ये यहां पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और केमिकल में कन्वर्ट होती है कौन से वो केमिकल है मैम एक केमिकल है एटीपी और दूसरा केमिकल है एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनिन डाईन्यूक्लियोटाइड फास्फेट एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में दोबारा सुनो लाइट एनर्जी आई ट्रैप किया कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में और दो केमिकल बना लिए जिनको इकट्ठे में एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है पावर क्यों है व्हाट इज पावर इसमें कैल्शियम की पावर है इसमें दूध की पावर है पावर इज एनर्जी व्हाट इज एनर्जी दिस करेंसी एटीपी होता है सेल के लिए एनर्जी तो एनर्जी बन रही है इसीलिए इसको एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं ये बात होगी मेरी लाइट रिएक्शन में मोटा मोटा लाइट रिएक्शन में मैंने ये जो दो केमिकल बनाए इसको हम लोग ले चलेंगे इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो ये लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड एन ए डी पी एच बनाया था इसको हम लोग ले चलेंगे स्ट्रोमा में ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जो इस एसिमिलेटरी पार को यूज करके सीओ टू को फिक्स कर देंगे सीओ टू फिक्स करना क्या है व्हाट इज फिक्सेशन ऑफ सीओ टू मतलब सीओ टू को ग्लूकोज बना देंगे वो ये वाला जो काम है स्ट्रोमा वाला ये डायरेक्टली तो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है इसको लाइट की एनर्जी के द्वारा बने हुए केमिकल चाहिए थे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट बट वैसे ये काम दिन में भी हो सकता है रात में भी हो सकता है इसको इसको लाइट की ऐसी कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है इसीलिए बोलते हैं डार्क रिएक्शन तो मैंने बोला कि दो काम हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में एक हो रही है लाइट रिएक्शन दूसरी हो रही है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन की अभी तुम्हें लोकेशन दिखाई दैट इज गोइंग टू बी द मेमब्रेन सिस्टम जो जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है क्या क्या मेम्ब्रेन दिखाई दी मुझे ग्राना दिखाई दी और मुझे स्ट्रोमल लेमेले दिखाई दिए ठीक है ठीके? और क्या दिखाई दिया स्ट्रोमल लेमेले अच्छा डार्क रिएक्शन कहां पर होगी जब जस्ट अभी सिखाया स्ट्रोमा में होगी ठीक है जी स्ट्रोमा में होगी लाइट रिएक्शन का नाम लाइट क्यों है बिकॉज यहां पर हम लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं कर ले लाइट एनर्जी को ट्रैप किया और कुछ बनाया क्या बनाया तुम बताओ दो केमिकल बनाए एटीपी and nadph ठीक है अब इसके लिए तो लाइट चाहिए ना डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट है ये दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे बट प्लीज साथ-साथ बनाएं टेलीग्राम मेरे ही नाम से है सीप पाहूजा मेरा नाम है बायोलॉजी ऑफिशियल सही वाले को ज्वाइन करिएगा ओके आगे आ जाइए डार्क रिएक्शन में क्या हुआ यहां पर मुझे एंजाइम चाहिए थे ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है टू फिक्स जैसा मैंने बताया सीओ टू सीओ टू फिक्स करना है ये सीओ टू फिक्स के लिए एक मेजर एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है रिबुलोज कार्बोक्सिलेज हम बात करेंगे इसके बारे में कल यहां पर हम क्या बना रहे हैं शुगर ठीक है क्या इसको डायरेक्टली लाइट चाहिए ना नॉट डू नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली लाइट इसको डायरेक्टली तो बेटा जी नहीं चाहिए लेकिन अगर लाइट नहीं आई तो ये डार्क रिएक्शन होगी भी नहीं एक्चुअली में क्योंकि डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन समझ रहे हो होने को ये सुबह शाम कभी भी हो सकती है ऐसा नहीं है रात ही चाहिए मैं रात में होंगी बस इसको इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट इट कैन हैपन एनी टाइम तो नाम ना एक तरीके से गलत है इट इज असलीडिंग नेम एक्चुअली क्यों क्योंकि डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन बोल सकते हैं ये लाइट रिएक्शन के द्वारा जो बनाया एटीपी और एनएडीपीएच है ना उस पर डिपेंडेंट है वो आएगा तो ये चलेगी नहीं तो नहीं चलेगी ओके जी यस हां जी यस रुबिस्को इज अ मोस्ट अबंडेंट एंजाइम काफी बढ़िया है काफी बढ़िया है चलिए अब बात करते हैं कि क्लोरोफिल मुझे पता चल गया क्लोरोप्लास्ट मुझे पता चल गया मीजोफिल सेल में आ जाओ ये मेरा पत्ती थी पत्ती में ही सेल थे मीजोफिल। मीजोफिल के पास था क्लोरोप्लास्ट जरा फर्स्ट वाली इक्वेशन पे आइए। फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहां कुछ लिखा था क्लोरोफिल क्लोरोफिल तो क्या होता है पिगमेंट ये पिगमेंट कहाँ है भाई आपने क्लोरोप्लास्ट की बात तो कर ली पिगमेंट कहां दिखाई दे रहा है इसमें वेयर इज इस क्लोरोफिल प्रेजेंट इन कोई बता सकता है एनी वन वुड लाइक टू टेक गैस ओवर हेयर जो यहाँ सच में पढ़ रहे हैं बच्चे कोई गैस लेना चाहिए हा बताओ बताओ क्लोरोफिल कालोरोफिल लोकेटेड हाँ बहुत बढ़िया एक बच्चे ने आंसर दिया है जो मैं गलत कर ही नहीं सकती चाह कर भी गलत नहीं कर सकती लेकिन मैं नंबर भी नहीं दे सकती उसके आंसर दे रहे हैं कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट ये तो बना ही हुआ है ये तो बता ही नहीं, क्या नहीं है? ये तो मैं नहीं बता दिया फिर पूछूंगी क्यों तुमसे क्लोरोप्लास्ट तो है क्लोरोप्लास्ट में कहा वेयर इज क्लोरोफिल लोकेटेड ऑप्शन दे रही हूं यस yes, ऑप्शन दे रही हूं मेमब्रेन ऑफ थाइड और ल्यूमेन ये मेमब्रेन है थाइड की है देखो ये मेरी मेमब्रेन है और ये मेरा ल्यूमेन है कहा है क्लोरोफिल यहाँ तो द लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल यहाँ पर लिख रही हूं मैं क्लोरोप्लास्ट में होता है पिगमेंट दैट इज क्लोरो करेंगे और पिगमेंट की भी बट मेजर क्लोरोफिल है दैट इज लोकेटेड इन द मेम्बरेन ऑफ थाइड नॉट ल्यूमेन में लोकेटेड नहीं है सॉरी oh, ल्यूमेन में लोकेटेड नहीं है मेम्बरेन में लोकेटेड है अगली बात अब मेरे पास तो थी पत्ती भाई ये कौन थी ये तो ऐसे पत्ती थी पत्ती के अनाट में देखी, तो मुझे ये दिखाई अब कई बारी बेटा होता है सूरज बहुत मेहरबान होता है और लाइट बहुत होती है ठीक है जब लाइट ज्यादा होती है तो क्लोरोप्लास्ट कैसा बिहेव करता है कहां रहता है और कई बार बहुत एक्स्ट्रा लाइट हो जाती है मतलब एक तो नॉर्मल लाइट है तो मैं दो कंडीशन दे रही हूं लाइट ना दो तरीके से बिहेव कर सकती है कई बारी नॉर्मल लाइट आ रही है नॉर्मल इंटेंसिटी की लाइट आ रही है और कई बार बेटा जी क्या होता है हाई लाइट इंटेंसिटी आती है बहुत ज्यादा लाइट आ गई यार दोनों समय पर क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है पत्ती को बचाने की कोशिश करता है कि यार मैं फोटोसिंथेसिस करता रहूं तो होता क्या है वेन एवर देयर इज नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी तो ये मेरा मीजोफिल सेल है ये मैंने एक मीजोफिल सेल बनाया बना दिया ओहो एक मिनट रुको यस मीजोफिल सेल मीजोफिल सेल वेन एवर बेटा जी देयर इज नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी है ना जब क्या होगा नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी होगी तो सारे क्लोरोप्लास्ट ना ऐसे लगा देंगे लाइन में कोने पे आ जाएंगे नॉर्मल लाइट है ना तो लाइट को लेने के लिए सेल के कोने पे आ जाएंगे बट वेन एवर इज वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी तो बेटा हाई लाइट से खराब हो सकते हैं तब ये ऐसे आ जाएंगे सेंटर में आ जाएंगे समझ रहे हो यस yes. तो जब नॉर्मल लाइट थी तो जो क्लोरोप्लास्ट था इट हैज पैरेलल अलाइनमेंट विद द मेमरेन ऑफ मीजोफिल सेल ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है दिस इज मीजोफिल सेल जब नॉर्मल लाइट आ रही है तो ये लोग पैरेलली अरेंज कर लेते हैं इसको बोलते हैं पैरेलल अलाइनमेंट इलेवन मत समझना यार तुम समझ सकते हो तो मैं लिख ही देती हूँ भरोसा नहीं है तुम्हारा लेकिन जब बेटा जी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसा दिख रहा है तुम्हें के तो परपेंडिकुलर है ना दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री देयर इज परपेंडिकुलर अलाइनमेंट अलाइनमेंट विद्रेन ऑफ मीजोफेल सेल ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसीलिए हुआ कि जब नॉर्मल लाइट है तो प्रॉपर लेनी है तो कोने पे आ जाते हैं आसानी से हो जाएंगी और बढ़िया फोटो जाएंगे ठीक है जी यस yes? ताकि मिनिमम यू नो एरिया उसका लाइट से एक्सपोज हो राइट right? तो ऐसा इसीलिए है फॉर ऑप्टिमम लाइट इस केस में इनको बाहर आने पर ऑप्टिमम लाइट मिलेगी पेरिफेरी पे अरेंज होने पे प्लस ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ठीक है जी यस yes. और इस केस में क्या होगा प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन एक तरीके से लाइट से बचाते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज खराब ना हो जाए ताकि ज्यादा लाइट में बच के बैठ जाएंगे जैसे हम नहीं है बहुत ज्यादा लाइट हो जाए तो फिर हम भी घर के अंदर के बैठ जाते हैं कम लाइट हो तो वी कैन आल्सो स्ट्रोल अराउंड इन द ओपन एनवायरनमेंट तो ये बात थी मेरी लाइट के हिसाब से अब बात करते हैं मैम आपने बताया क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल क्या बस यही पिगमेंट है नहीं और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं शुड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट बात करें बेटा उनके बारे में हां जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो सिंथेटिक तो नहीं गए बेटा मैं तो नहीं थकी जो हमारे गोल्स हैं उनको तो पूरा करेंगे एंड आज बजे क्लास भी है फाइव तो फिफ्टी तक, तक तब तक हमारा जितना होगा हम करेंगे एंड तरीक जितना करेंगे अच्छे से करेंगे बेटा वी विल नॉट रन द रेस ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगह पे ना रेस लग रही है मैं सिलेबस पहले करूंगी मैं पहले करूंगा ये इस रेस में जाओगे तो सिर्फ सिलेबस ही पूरा होगा और शायद गिनतियों में भी हो जाए मैंने तीन बारी सिलेबस पूरा कर लिया मैंने चार बारी कर लिया सवाल एक नहीं निकल रहा नंबर तब भी नहीं आ रहे तो ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी क्वालिटी कहती है कि चाहे मैं दो बारी सिलेबस करूं लेकिन मैंने इतने तरीके से किया हुआ है एक एक चीज करी हुई है कि मेरा सवाल गलत नहीं होता इतने ध्यान से मैंने किया हुआ है हम भी क्वालिटी पे ही काम करेंगे बेटा मेरे साथ जुड़ोगे तो हमेशा क्वालिटी आई क्वांटिटी मैं एक दिन में आऊं और घंटे का लेक्चर ले लूं बात तो उतनी है ना मैं आज एक दिन में सात घंटे पढ़ाऊं या चार घंटे पढ़ाऊं या मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ाऊं तोड़ के पढ़ाऊंगी तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा क्योंकि कैपेसिटी है ब्रेन की कि हम ज्यादा देर तक अटेंटिव नहीं रह सकते कोई भी नहीं रह सकता ना मैं ना तुम तो मैं तुम्हें क्यों जबरदस्ती घसीटू कल फ्रेश माइंड से आएंगे फ्रेश माइंड से नए टॉपिक को टेक ओवर करेंगे दिस इज ऑलवेज अ बेटर स्ट्रैटेजी ऐसा ही आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी करें क्वांटिटी में मत जाए कि मैंने एक दिन में ये कर लिया ये कर लिया कितने अच्छे से किया ये बताओ सवाल कितने निकले ये बताओ उससे राइट बच्चों ठीक है हाँ जी शुरू करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो यहां पर बेटा वैसे तो बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है आप जानते हैं वी है आप क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड कैरोटीनॉइड जिसमें और कैरोटीन आ जाता है ए बी सी डी एंड कैरोटिनॉइड क्लोरोफिल को सी एच एल लिख रही हूं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी इसको इसमें डाल दो बी सी क्लोरोफिल डी एंड कैरोटीनॉइड्स ठीक है जी

चलिए प्रोटिस्टा से अगर मैं शुरू करूं फिर मैं एल्गी पे आ जाऊं एल्गी से लेकर एंजियोस्पम्प तक मुझे यही तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसको मैंने यूनिवर्सल बोला है तो हर जगह मुझे ये तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल बी की क्लोरोफिल बी होना एक हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है इट इज जिसके पास भी होगा ना तो वो हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर की तरह रहेगा हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है एंड सबसे पहले मुझे किसमें दिखा था युगलीना में दिखा था ठीक है युगलीना में दिखा और फिर मेरे को दिखा ग्रीन एल्गी में ग्रीन एल्गी में एंड देन हमको दिखा हायर प्लांट्स में तो ये हमारे प्लांट्स में भी होगा आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल सी की बात करें तो ये मुझे दिखता है डायटम्स में एंड डायनोफ्लाजिलेट्स में डायटम्स में एंड डायनोफ्लैजिलेट्स में ब्राउन एल्गी में ब्राउन एल्गी में डी कहा दिखता है रेड एल्गी में थोड़ा सा मैंने पुराना रिवाइज करा दिया आपका एल्गी वाला पोर्शन प्लांट किंगडम वाला एंड कैरोटीनॉइड बेटा एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं दो तरीके के होते हैं बेटा ये वन इज ज़ैंथोफिल ये भी होते हैं प्लांट्स पे हम करेंगे आज अनदर वन इज कैरोटीन ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन तो मेरे पास ये फाइव टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जितने मैंने यहां पर लिखे हैं ऑल ऑफ देम बनाए हैं ये कौन से बनाए हैं लिपिड सोलबल पिगमेंट बनाए हैं बट क्या पेगमेंट नहीं है यह तो लिपिड सोल्यूबल है वॉटर सोल्यूबल क्या होगा लिपिड इन सोलबल होगा डू वी हैव और डू वी डोंट हैॉल्यूबल पिगमेंट मैं बताने वाली हूं दैट इज फाइकोबिलिन यहां डब्बा बना के लिख लेते हैं फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है जिसका नाम है जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम पढ़ा होगा वही रिलेट कर पाएगा कि मैम यहां इस चैप्टर में क्यों बोल रही है वो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटा वहां दिया हुआ है वहां दिया हुआ है तो यहां से रिलेटेड है तो कर लेते हैं रेड एल्गी में होता है रेड एल्गी में होता है फाइकोबिलिन लेट मी जस्ट राइट इट करेक्टली दैट इज फाइको बेलिन हां जी यस yes, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है चलो अब इस चैप्टर का नाम बेटा फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया तो है नहीं या फोटोसिंथेसिस इन एल्गी तो है नहीं चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स तो हम हायर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि वहां पर फोटोसिंथेसिस इनमें से कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से हो रही है कौन से टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट है अगर मैं आपको प्लांट्स की बात करूं तो वी हैव वी मतलब हायर प्लांट्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड केरोटिनॉइड्स तो मुझे ये तीन चीजें दिखेंगी ये तीन चीजें दिखेंगी इन तीन चीजों को हमें अच्छे से करना है आज ठीक है इन तीन चीजों को अच्छे से करना है कर ले बेटा? बताओ yes, कर ले पिगमेंट <coughs> क्या है वो सब्सटेंस है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमने बता दिए इतने सारे तरीके के पिगमेंट्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोरोफिल ए की यस हायर प्लांट्स की बात करूं आयर प्लांट में मेरे पास सबसे पहला पिगमेंट कौन सा आ रहा है क्लोरोफिल थोड़ा सा है बेटा इसके बारे में बिल्कुल करना तो यहां पर ऐसे कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा एंड ऐसे लंबी सी टेल दिखेगी तो इसको बोलते हैं तो इसके पास ये हेड रीजन है और ये वाला टेल रीजन है ठीक है इसके हेड हेड जिसके पास चार पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं तो इट्स टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर तो लिख लेते हैं तो क्लोरोफिल में सबसे पहले आते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए एवरीवन अबंडेंट जस्ट अभी लिखा मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इट इज अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब मेजर फोटोसिंथेसिस तो यही करेगा यही करेगा इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो मुझे टैडपोल की तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा बेसिक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ये टैडपोल की तरह होता है इस इसके पास एक पोरफाइरिन हेड होगा हैव अ लुक एट दिस यस पोरफाइरिन हेड जिसमें चार पायरोल रिंग्स होंगी एक रिंग यहां एक रिंग यहां एक रिंग यहां एक रिंग यहां लेट मी ड्रॉ इट हैज फोर पायरोल रिंग्स ठीक है हर पायरोल रिंग के पास यहां अंदर एन 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 मौजूद होगा एंड बेटा यहां पर एक फाइटोल टेल होगी देयर विल बी अ टेल लाइक स्ट्रक्चर ओवर दिस इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल फाइटोल टेल एंड दिस इज पॉर हेड पॉल हेड जिसमें मुझे चार रिंग्स दिखाई दे रही हैं इसी वजह से इसको बोला जाता है टेट्रा रिंग टेट्रा स्पाइरोल रिंग टेट्रा माने चार चार रिंग्स यहां पर मौजूद होंगी हर रिंग के पास एक एन दिख रहा है एक नाइट्रोजन हर रिंग के पास मौजूद है सेंटर में बेटा इस रिंग में देखें तो मैग्नीशियम प्रेजेंट है लेकिन जो मैग्नीशियम है ना दिस इज नॉट प्रेजेंट एज एम जी टू पॉजिटिव दिस इज सिंपली प्रेजेंट एज एम नॉन आयनिक फॉर्म में सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है मुझे मैग्नीशियम याद रखना है नॉन आयनिक फॉर्म है इट इज नॉट एम जी टू पॉजिटिव इट इज ओनली एंड ओनली एम जी ठीक है जी तो ये टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर हो गया और ये मेरे पास लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इन जनरल अगर मैं क्लोरोफिल ए की स्पेसिफिकली बात करूं तो यहां पर बेटा जी काफी ज़्यादा आएगा और मैग्नीशियम तो, तो ये फॉर्मूला तो रहेगा मेरा क्लोरोफिल ए का देन बेटा यहीं पर लिख रही हूं क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी का अगर मैं देखूं स्ट्रक्चर दैट इज सी फिफ्टी फाइव एच सेवेंटी ओ सिक्स एन तो चार ही रहेंगे और सेंटर में क्या रहेगा मैग्नीशियम दोनों ऑलमोस्ट सेम है लेकिन अंतर क्या है अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए और बी में जो डिफरेंस आता है वो आता है सेकेंड रिंग का ये सेकेंड रिंग देख रहे हो ये दिस दिस वन इज द सेकेंड रिंग एक तरीके से सेकेंड रिंग में ना थर्ड पोजिशन है एक्चुअली में है ना ये है आपकी थर्ड पोजिशन सेकेंड रिंग में बेटा क्लोरोफिल ए के पास मिथाइल ग्रुप होता है एंड बी के पास सी एच ओ एल ग्रुप होता है सो एंड द सेकेंड रिंग में डिफरेंस है ए की बात करें तो सेकेंड रिंग में मिथाइल ग्रुप है क्लोरोफिल बी की बात करें तो सेकंड रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ठीक है यस yes. ठीक है जी बताना सेकेंड रिंग बोल लो थर्ड पोजिशन भी बोल सकते हो अगर मैं यहाँ पे पूरा बनाने बैठ जाऊंगी ना तो एक दो तीसरी पोजिशन यहां आती है चाहे पोजिशन बोल लो चाहे रिंग बोल लो सेकेंड रिंग बोल लो या थर्ड पोजिशन बोल लो वहां पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मेरा एलडीहाइड ग्रुप है याद रखना है बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है इसी वजह से थोड़ा सा फॉर्मूला में अंतर आया ए में मिथाइल बी में एल्डिहाइड बचा कौन बचे मेरे कैरोटीनॉइड्स में दो आ जाएंगे जी जैंथोफिल की बात करें तो इट इज सी फोर्टी एच फिफ्टी सिक्स एंड ओ टू इसके पास कोई नाइट्रोजन मैग्नीशियम नहीं है अगर मैं कैरोटीन की बात करूं दैट इज सी फोर्टी सी फोर्टी एच फिफ्टी सिक्स ठीक है जी एक्ट जस्टेस uh, हां जी अब दिख रहे हैं बच्चों में बेटा हमारा इंटरनेट चला गया था बट माइंड वी आर बैक जी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको अब तो ठीक है नाउ एवरीथिंग इज फाइन हाँ जी बुला लो भाई सबको जो भाग जाते हैं चलिए तो मैं कह रही थी कि मैंने बोला कि हमारे हायर प्लांट्स के बाद चार पिगमेंट्स हैं ए है बी है, है और केरोटीनाइड्स है किसी को सपना आया था कि चार हैं कि बीच वाले सी और डी नहीं है कैसे तुमने बाहर निकाला कि यही प्रेजेंट है हमने बेटा पत्ती की करी क्रोमेटोग्राफी देखो हम कह रहे हैं कि पिगमेंट्स तो ग्रीन पार्ट के पास होंगे ये ग्रीन पार्ट कौन सा है मेरा लीफ हमने लीफ की क्या करी लीफ के साथ बेटा एक टेक्निक लगाया केमिस्ट्री का जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या करा पेपर क्रोमेटोग्राफी जब हमने लीफ की बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी करी ना तब हमें पता चला इसके पास एक नहीं दो नहीं कितने पिगमेंट्स हैं चार पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं हमने क्या किया लीफ को एक तरीके से पीस लिया पीस करके ना उसका लीफ स्टेन बना लिया एंड देन बेटा उसको एक मीडियम में डिप करा मी डू द लीफ क्रोमेटोग्राफी आपने केमिस्ट्री में देखा होगा है ना हमने यहां पर पत्ती को क्रश करके डाल दिया एंड यहां पर मैंने क्रोमैटोग्राफी वाली स्ट्रिप डाल दी डाल दे स्ट्रिप डाल दी कैपिलरी एक्शन से जो जो इसमें स्टेंस प्रेजेंट होंगे वो कैपिलरी के एक्शन से ऊपर को मूव करेंगे यहां पर मैंने टोटल चार तरीके के स्टेन देखे कितने तरीके के देखे बेटा जी चार तरीके के स्टेन देखे सबसे हल्का वाली चीज ऊपर जाएगी और सबसे भारी वाली चीज नीचे आएगी ये तो मानते हो द वन विल बी विच विल बी वेरी स्मॉलर इन साइज इट विल गो फार्थेस्ट जैसा हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में भी देखा तो यहाँ पर सबसे हल्की वाली कौन सी है सी दैट इज कैरोटीन तो सबसे ऊपर मुझे क्या दिखाई दी कैरोटीन तो इट हैज येलो एंड टू येलो ऑरेंज टाइप ऑफ कलर ऐसा कलर मुझे दिखाई दिया किसका कैरोटीन का सो दिस फर्स्ट वन जो सबसे हल्की थी वो ऊपर गई ठीक है यहाँ लिख लो हल्का नहीं सबसे एक छोटी चीज पतली चीज हल्की चीज ऊपर जाएगी देन दूसरे नंबर पर मुझे क्या दिखाई दिया तो दिखाई दी ये क्या लिया है? दिया, से कलर का देन और नीचे जाएंगे ए दिखाई दिया दैट इज ब्राइट ग्रीन ग्रीनिश काइंड ऑफ कलर ब्राइट और ब्लू ग्रीन तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू भी मिक्स कर देती हूँ राइट और ब्लू ग्रीन दैट इज क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए एंड सबसे नीचे मुझे क्या दिखाइश ग्रीन टाइप ऑफ कलर ये कलर विच इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल बी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ऑर्डर पेपर क्रोमैटोग्राफी में सबसे ऊपर तो मैं क्या दिखा सी एक्स ए बी ऐसे याद कर लो सी एक्स ए बी और इनका कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर ड्रॉ भी किया है साथ साथ में सबसे पहले है मेरा कैरोटीन कैरोटीन में येलो टू येलो ऑरेंज कलर दिखा येलो टू येलो ऑरेंज याद करना पड़ेगा इस फिगर को अपने मन में बसा लो देन आपके पास आता है जान्थोफिल इसमें मुझे ब्राइट येलो कलर दिखा ठीक है ब्राइट येलो कलर दिखा या येलो लिख लो जस्ट देन आपका आता है क्लोरोफिल ए मैंने ग्रीनिश टू ब्लूइश कलर लिखा है है ना यहां पर आ जाएगा ब्राइट और ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन सा कलर दिखाई दिया देन सबसे नीचे मुझे क्या देखा बी दैट इज येलो ग्रीन यहां पर आ जाएगा येलो ग्रीन येलो ग्रीन कलर दिखाई दे अभी अभी बेटा याद करे इसको राइट नाउ जस्ट लर्न इट फटाफट से लर्न करे सब बच्चे इसको लर्न कर लो फटाफट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या तो आपको ऑर्डर पे आएगा ऊपर से नीचे कौन है सबसे ऊपर कौन है सबसे नीचे कौन है या फिर आपको इसके कलर पे आएगा कि कौन से पिगमेंट पेड़ मुझे ग्रो, ठीक है जी यस <laughs> कर लिया नेक्स्ट टॉपिक करें हाँ जी नेक्स्ट हम करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा इसके लिए मुझे थोड़ा एयर ड्रॉप करना पड़ेगा मैं डायग्राम उठा के लाऊंगी एनसीआरटी का हांजी रेडी नाउ वट इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है एब्जॉपशन स्पेक्ट्रा लेटमी जस्ट स्टार्ट विद इट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब अगर मैं प्लांट को लाइट दे रही हूं यूवी रेज भी आ रही है विजिबल रेज भी आ रही है इंफ्रारेड रेज भी आ रही है प्लांट अब्सॉर्ब किस रे को कर रहा है हमें पता है विजिबल वाली को करता है फिजिक्स में आपने पढ़ा है विजिबल वाली रे की वेवलेंथ कितनी होती है 400 टू 700 नैनोमीटर अब आ रहा है इस 400 से 700 वेवग्योर होता है ना इस वेवग्योर में प्लांट ने सबसे ज्यादा कौन सी वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब किया फोर हंड्रेड वाली वायलट वाली और इज इट सेवन हंड्रेड वाली रेड वाली प्लांट की किस समय, किस wavelength पर है, किस समय, पर पर ज़्यादा ज़्यादा है, है? दूसरी जगह यहां पर आ रहा है एक्शन स्पेक्ट्रा एक्शन मतलब प्लांट ने लाइट ले तो ली चाहे वो चार सौ वाली ली चाहे सात सौ वाली ली जो भी ली उसने फोटो सिंथेसिस किया किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम फोटो करके दिखाया

ट्वेल्थ इलेवेंथ की बायो का है ऐसे पांच बंडल और इलेवेंथ की बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इलेवन ट बोथ इलेवन तो चार बंडल हो गए छह बंडल बेटा आज एक लकी विनर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं वैसे तुम प्राइस जाके देखोगे इसका तकरीबन छह सात हजार का प्राइस है अगर आप इसको इंडिविजुअली तो ले भी नहीं सकते किसी के साथ लेना पड़ेगा कॉम्बो में बट आज आपको फ्री में मिलने वाला है तो सब बच्चे जाके इसमें एनरोल कर लें मैं चेक कर रही हूं तब तक मैं आपके लिए वो ग्राफ लेके आऊँ एक मिनट हाँ एनरोल कर लो लिंक मैंने पिन किया है फटाफट कर लोक देख नहीं री एनरोलमेंट एक ही बच्चे को क्यों क्योंकि एक बच्चे को कल भी देंगे ना बेटा कल वाले को माइंड मैप मिलेंगे आज वाले को फ्लैश कार्ड मिलेंगे ये कह रहे हैं एक को ही क्यों दे रहे हो सौ को दो ना बेटा मेरी इच्छा होती तो मैं सौ को देती पिछली बारी मैंने एक बच्चे को और ये पहले भी कर चुकी हूँ मैं लास्ट मंथ आई ऑल्सो गेव वन फ्लैश कार्ड टू वन स्टूडेंट माइंड मैप टू वन स्टूडेंट और उनको रिसीव भी हो चुके हैं एंड कम से कम चार तीन चार बच्चों को मैं अपनी बुक गिव अवे कर चुकी हूँ जिसका गिव अवे दोबारा भी आ सकता है तो ये मेरी बुक है आप लोग तो amazon पे सर्च कर सकते हैं हाँ हम लोग बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की एक मिनट कहा गया एक मिनट रुको हम्म, यस, जस्ट कमिंग, डोर स्टेप एब्सऑप्शन नेक्शन स्पेक्ट्रा करते हैं ओके okay. <coughs> आ रहा है आ रहा है एक मिनट रुको एक्चुअली बेटा लाइट चली गई है तो इस वजह से ना सब कुछ थोड़ा स्लो हो गया घूम जा घूम जा घूम जा क्या लगता है कितना समय लेगा मान ही नहीं रहा है। ये चाहता है हम क्लास बंद कर दे है ना ये चाहता है हम क्लास बंद कर दे लेकिन हम करेंगे नहीं हम वेट कर लेंगे हम तो चाहती हैं ये आए ना हम तो चाहती हैं तुम्हारा मुझे पता है कि तुम चाहते हो ये हो ही ना एक्सेप्ट करने का नहीं आ रहा है यहां पर नॉट श्योर वाई वाई वी कांट एक्सेप्ट हम्म हम्म फोन से हो जाएगा प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है एक सेकेंड लगेगा कोशिश करके देखते हैं लास्ट ट्राई दूंगी फिर नहीं तो बंद कर दूंगी ट्राई देना एक मिनट रुको तुम लोग बने रहना क्लास में एनरोल कर लो हम्म आई बिलीव फोन हाँ फोन से हो जाएगा यहाँ आ गया एक्सेप्ट करने का हम्म ओके नाउ लेट मी सेंड इट हियर कंप्यूटर yes, परेशान कर रहा था बट फोन ने साथ दे दिया हमारा है ना आ गया अब हम इसको खोल लेते हैं उधर ताकि हम वो ग्राफ कर पाए आपको पता है ग्राफ बिना कराए तो जाने नहीं दूंगी हमारे गोल में से एक ईटीएस का गोल रह जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है आज बट कोई बात नहीं कल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा फिर हमें हमारे गोल में से ईटीएस का गोल रह जाएगा बट नेवर द आ जाओ ये मेरा प्लांट फिजियोलॉजी है एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हम सारे कर चुके हैं ये भी कर चुके हैं हाँ इस ग्राफ के बारे बेटा में बेटा मैं बात करने वाली थी यहां से फटाफट से समझ लो ओके जरा ध्यान दीजिए दिख रहा है सबको ये क्या बनाया है इन्होंने ये बेटा जी आपकी वेवलेंथ बनाई है ये देखो विजिबल लाइट इस वाले ग्राफ को मैं इधर रख रही हूं दोनों X भी और वाई एक्सिस भी हा एक्स एक्स भी पढ़ेंगे और वाई एक्स भी पढ़ेंगे वाई एक्सिस बेटा आपके नीचे लिखी हुई है that is wavelength. वो मैं ऊपर बना दे रही हूँ दी हुई है हमको पता है हमने फिजिक्स में इतना पढ़ रखा है दैट इट स्टैंड फॉर वेब ग्योर ऐसा ही होता है वेब ग्योर यहां पर आपके अलग अलग कलर से डिमार्केट किए हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट सबसे पहले आपका क्लोरोफिल बी येलो कलर से दिख रहा है एंड आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा है क्लोरोफिल ए ठीक है ध्यान देने वाली बात ये है ये बता रहे हैं कि, कि किस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है लुक एट द ग्राफ ऑफ क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी का ग्राफ एक बार ब्लू पे ऊपर गया और रेड पे थोड़ा सा ऊपर गया ठीक है ये क्लोरोफिल बी है अब क्लोरोफिल ए को देखोगे रो ने सबसे ज्यादा वायलेट को एब्सॉर्ब किया वायलेट इंडिगो, ने काफी यहां ग्रीन वाले रीजन में दिखाया है ना ग्रीन वाले रीजन में दिखाया मतलब क्लोरोफिल बी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू वाले पे है और ए वाले की मैक्सिमम ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेड पे तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्लोरोफिल बी ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन

एंड ज्यादा आपकी रेड वाले पे रेड पे भी काफी ज्यादा हुई अगर मैं इस वाले ग्राफ को इससे कोइंसाइड करूंगी तो मैं देखूंगी आउट ऑफ बी ए एंड दिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज को इनसाइडिंग ऑफ़ क्लोरोफिल ए मतलब क्लोरोफिल ए भी ध्यान दी ध्यान दो यहां पर ब्लू पे ज्यादा हुआ और रेड पे ज्यादा हुआ फोटोसिंथेसिस में मेरी ब्लू पे ज्यादा हुई और रेड पे ज्यादा हुई ग्रीन पे काफी कम हुई ये देखो इन्होंने करके भी दिखा दिया ये क्लोरोफिल A ने की लाइट और इसी टाइम पर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, भी मेरी ज़्यादा थी। तो यहां से क्या पता चला? मेजर चीफ़ चीफ़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ठीक है यस पता चल गया हाँ जी तो हमने अभी किया एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वी केम इन टू कंक्लूजन एंड द कंक्लूजन इज दैट चीफ पोटो सिंथेटिक पेगमेंट इज क्लोरोफिल A, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का ग्राफ क्लोरोफिल ए से सबसे ज्यादा मैच कर रहा था, ओवरलैप काफी -काफी कि मुझे किसके साथ दिख रही थी आपको इसी में दिखाई दे रही थी अब यहां पर बेटा मैं एक एक्सपेरिमेंट कराने वाली हूं जो एनसीईआरटी में स्टार्ट में दिया हुआ दैट इज एंजल एक्सपेरिमेंट ऑन क्लाइडोफोर एंजल मैन एक्सपेरिमेंट ऑन क्लाडोफोरा एंड ग्रीन पे किया था बड़ा इंटरेस्टिंग है एक मिनट में समझ आ जाएगा बेटा मिनट में समझ आ जाएगा इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है हाँ जी इन्होंने क्या किया स्पाइरो ली मैं ले लेती हूँ स्पाइरो ठीक है फोटोसिंथेसिस करेगी हमको देखना है कि फोटो Uh, 400 टू 700 में या ब्लू ग्रीन रेड में विव ग्योर में कहां पर अच्छी करती है तो मैंने लाइट ली ये मेरी लाइट आ रही है व्हाइट कलर की लाइट आ रही थी हमने फिजिक्स में से उठाया एक यू नो ऑपरेटर्स जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म पता है ना प्रिज्म क्या करता है इस व्हाइट लाइट को तोड़ देता है ब्रेक कर देता है किस में ब्रेक कर देता है दिस प्रिज्म विल ब्रेक द व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स है ना व्हाइट लाइट को सेवन कलर्स में ब्रेक कर दिया कौन से हैं ये सात कलर दैट इज वेबर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो एंड रेड ऑरेंज एंड रेड क्योर तो मतलब स्पाइरो के अलग अलग हिस्से को अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मिल रही है इस वाले हिस्से को अलग वेवलेंथ की मिली इसने हिस्से को अलग की मिली इतने हिस्से को अलग की मिली एंड इतने हिस्से को, को अलग की मिली हर हिस्से ने थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस दिखाया लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसने दिखाया अब सवाल आता है इस पे हम इसको जानने के लिए कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इस पार्ट ने किया या इस पार्ट ने किया हमने यहां छोड़ दिए बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया थे अब बैक्टीरिया ने क्या किया जहां जहां उसको ऑक्सीजन जहां मिली वहां इकट्ठे हो गए हमने लिया ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया एंड ये जो ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया ने उन्होंने अपना झुंड बना लिया इस जगह पे और उन्होंने अपना झुंड बना लिया यहां पर रेड वाले के पास यहां पर बहुत कम थे ये कौन है ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाया ऑक्सीजन को प्यार करने वाले बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यहां इकट्ठे हो गए और यहां इकट्ठे हो गए अगर मैं इसको ग्राफ बना के इसका देखूंगी तो आई विल सी अ पीक नियर ब्लू एंड देन आई विल सी अ पीक नियर रेड कलर मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में ही हो रही है यही है एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट ठीक है जी इसने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा दिया spectra, कि सबसे किस पर हो रही है या तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है ब्लू वाली और रेड वाली वेवलेंथ पर हो रही है याद रहेगा सब बच्चों को याद रहेगा एंजलमेन का एक्सपेरिमेंट ऑन क्लाडोफोरा एंड यस एवरीवन ओके सो विद दिस वी आर डन विद इतना पोर्शन अब हम मिलते हैं कल की कक्षा में कल की कक्षा में फाइनली लाइट रिएक्शन को हम स्टार्ट करेंगे बेसिक हमने सारी बात कर ली ये सारी बात कर ली बेटा बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं देख रहे हो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑल डन विद एंजलमेन एक्सपेरिमेंट रेड ड्रॉप इफेक्ट मैं कल बताऊंगी जब मैं पीएस के बारे में बात करूंगी फोटो सिस्टम के बारे में एंड लाइट रिएक्शन सी थ्री सी फोर हम कल कर लेंगे लाइट रिएक्शन भी हो जाएगा थ्री भी हो जाएगा एंड सी फोर भी हो जाएगा यस ऑफ कोर्स हो जाएगा तो हमारे गोल्स में से एक गोल बच गया वो गोल हम कल करेंगे क्या आज क्या आज आपको समझ आया सब कुछ यस वी हैव डन क्वाइट अ लॉट क्या आज वाला आपको समझ आ गया बताना लाइट भी चली गई है ना एक्चुअली द थिंग इज कि मैं सिर्फ दो लाइट पे काम कर रही हूं आपने नोटिस किया होगा लाइट बहुत कम हो गई है तो अगर ये दो लाइट पे बुझ गई तो अपने बंद हो जाएगा मामला आज का सबको समझ आ गया तो कैन आई एक्सपेक्ट वन कॉमेंट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू एंड अ लाइक फ्रॉम यू सो दैट मुझे भी पता चले कि यस बच्चों को समझ आ रहा है एंड अभी हम अगले दस मिनट में छह बज के दस मिनट पर शुरू करेंगे अगले छह बज के दस मिनट पर मैं आपको इस फ्लैश कार्ड गिव अवे वाली क्लास में मिलने वाली हूं तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा दूसरी चीज जैसे ही सेशन बंद होगा सब बच्चे इसको लाइक करेंगे एंड सब बच्चे इस पर कॉमेंट जरूर करके जाएंगे समझ आया या नहीं आया आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप अभी अगर जीरो लेवल पे भी हैं आपने नहीं अच्छे से किया या याद नहीं है तो इस क्लास में आप इस यू you नो know, इस पोर्शन को याद करके जाए कोई बच्चा बिना याद करे ना जाए ठीक है जी तो इसको कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा साथ ही में जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ 55% परसेंट ऑफ इज नाउ लाइफ टिल थर्टियथ ऑफ नवंबर आप लोग हैं मेरा बैच है किसी और का बैच है हर बैच में क्रैश कोर्स है सब में सीपलाइफ कोड यूज करके 55% ऑफ और सिक्स मंथ एक्सटेंशन ले सकते हैं और बेटा सुपर थर्टी टेस्ट सीरीज चल रही है बहुत सारी और भी पी वाई की टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकाडमी की ऐप तो ऐप पर इस लिंक से आ जाओ क्लास में आ जाओ ताकि आप भी इन फ्लैश कार्ड के हकदार बन पाओ आज फ्लैश कार्ड किया और कल माइंड मैप फ्री मिलने की क्लास है ठीक है जी तो आई विल सी यू नाउ टुमारो फोटोसिंथेसिस का एल टू तब तक एवरी वन टेक केयर बाय बाय एंड डू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो Thank you so much.